हेलो एवरीवन हेलो 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 वी आर लाइव नाउ गुड इवनिंग एवरीवन चलो तो मैं लाइव आ गया हूँ एक दो जन यहाँ पर वेट कर रहे हैं यस चलो नोटिफिकेशन भी आ गई है यस चलिए फटाफट आ जाइए चलो बहुत सारे बच्चे आना स्टार्ट हो गए यस चलो सबको आ जाने दो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर हेलो कौशिक हेलो सत्यम हेलो सत्विक यस सो हेलो हेलो एवरीवन हेलो सोहम हेलो ऋतुराज सूरज यस यस चलो बहुत सारे बच्चे आ गए अपने पास यस आई एम गुड आई एम गुड चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को Uh, बोलते ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं या तो उनको एकदम समझ में आ जाता है सब कुछ या तो फिर उनको कुछ नहीं समझ में आता और ये छोड़ देते हैं सबसे तो पहले इसका वेटेज बता हैं इसका वेटेज है चार से छः मार्क्स ठीक है तो चार मार्क्स तो कम से कम आपको मिल जाएंगे तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं एंड में बताऊंगा वो तो कम से कम आप कर लेना ये चैप्टर छोड़ने की जगह पर चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ज़्यादा डेरीवेशन है आई नो लेकिन भैया अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझता है तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके बाकी के बाकी के डेरीवेशन डिराइव कर सकते हैं हम लोग बहुत ही ईजी है बहुत सी बेसिक से अपन चालू करेंगे और फटाफट फड़ इसको खत्म करेंगे ठीक है यस यस हो सकता है यस yes, ऋतुराज आराम से हो सकता है यस yes, बहुत हार्ड नहीं है बेटा ये चैप्टर हार्ड नहीं है इट्स ऑल मिथ ज्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर बस डेरिवेशन बहुत सारे हैं प्रॉब्लम ये है डेरीवेशन बहुत सारे हैं ठीक है थीके? जिनको हार्ड लगता है उनको मैं लास्ट में लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ठीक है ठीक है लास्ट में बताऊंगा कि खाली आप लोग कैपेसिटी वाला चैप्टर साइड कर लो कैपेसिटर सीरीज पैरेलल वाला तो भी आपकी कहानी बहुत अच्छे से चलेगी तो आप लोग वो भी खाली कर लेना यस yes? चलो हेलो हेलो मिस्टर कैप्टन हेलो रुचिता यस चलो बहुत सारे जन आ गए so, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फिजिक्स पार्ट टू जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोसेडिक्स सीखने वाले हैं अभी इलेक्ट्रोसेडिक्स थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आप लोग इसको प्यार से समझ सको सर बेसिक क्या लगेगा थोड़े से ज़्यादा इसमें डेरीवेशन से मुझे पता है तो डेरीवेशन को मैंने ऑलरेडी अपने पास है कुछ डेरीवेश्स रिटर्न में मैं उसको फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करूँगा अगर इसमें से कोई भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डाउट है तो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोग सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टडिक्स अजय पटेल सर या फिर आपको डायरेक्ट आपको मैंने 51 वन कंप्लीट फिजिक्स एक प्लेलिस्ट है जिसमें 50-60 वीडियोस है उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे यस yes, और फिर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो चलो स्टार्ट करते हैं इसका वेटेज कम है लेकिन ठीक है करते हैं अपनी चलो करते हैं स्टार्ट करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये चैप्टर आने से पहले आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन के फार्मूलाज आने चाहिए ठीक है और कुछ आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आने चाहिए तो ये कुछ फार्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए इसमें से कम से कम आपको इतने फार्मूलाज याद होने चाहिए

इंटीग्रेशन के पाँच के पाँच फार्मूलाज है इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हो लर्न करके आपको रखना है ख़त्म। चलो तो ये हो गया यस yes, यस yes, जो नहीं देख सकते कोई दिक्कत नहीं है यस yes, डेरिवेशन याद नहीं करना बेटा डेरीवेशंस को स्टेप समझ लो एक बार डेरिवेशन के स्टेप समझ गए ना तो आपको इजीली हो जाएगा यस फिजिक्स पार्ट टू चालू हो गया अपना दोनों इजी है यस yes, चलो याद नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ना आज मेरे साथ साथ चलते है अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में कम से कम आप लोग बोल सकते हो तो चार से तो पांच डेरिवेशन है इतने थोड़ी याद कर पाओगे ठीक है हर एक फॉर्मुला के लिए डेरीवेशन होता है तो डेरिवेशन याद नहीं करना डेरिवेशन कैसे आ रहा है वो समझना है आपको अगर उसके पीछे की आपको तो ये बोलते ना साइंस समझ में आ गया उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया तो आपको डेरिवेशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डेरिवेशन ठीक है कि यह पहला स्टेप ऐसा आ रहा है अच्छा ठीक है पहला स्टेप कहाँ से आया अच्छा इस डायग्राम से ऐसा ऐसा इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये अपना फॉर्मूला आ रहा है फिर उसके बाद में वो स्टेप को अपन ने थोड़ा सा ट्विक किया या फिर इसमें कुछ ऐड किया तो ये स्टेप आ रहा है स्टेप समझ में आ गया ना कि ये स्टेप करना है फिर ये स्टेप करना है फिर ये स्टेप करना है तो आपका ये डेरीवेशन बहुत ही प्यार से हो जाएगा यस yes. तो चलिए फटाफट करते हैं पहले आपका डिफ्रेंसियन के इंटीग्रेशन के याद याद होने चाहिए याद नहीं है तो आगे चलते चलते याद हो जाएंगे आपको टेंशन मत लेना फिर ये क्लास लेनाथ की कहानी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होना चाहिए ये बेसिक है एकदम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इट इज डोटेड बाय फाइव ठीक है मतलब क्या है कि अगर आपकी एक सरफेस से अगर आपका कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहा है ये आपकी एक सरफेस है जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है तो ई डॉट एस

हमेशा जैसा भी हो हमेशा उसका वैक्टर कैसे आएगा हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलता है यह बात आपको याद होनी चाहिए अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एस e का मैग्नेट्यूड इनके बीच का कोसाइन एंगल थीटा तो ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है एस इज एरिया वैक्टर ठीक है वो एरिया का वेक्टर अपने को दिखाता है ई e का मैग्नेट्यूड एस का मैग्नेट्यूड इनके बीच का कोसाइन एंगल थीटा ये डॉट प्रोडक्ट है ना तो ये अपने को याद रखना है कहीं दिमाग में ना कहीं पे याद रखना कहीं पे फिक्स कर लेना यस नो प्रॉब्लम ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो कि आपको याद रखना है अभी याद क्या क्या रखना है सबसे पहली बात पहला फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस या फिर आप लोग बोल सकते हो सिर्फ एस ले लो या फिर ए ले लो जैसे भी आपको लिखना हो ए लोगे तो भी चलेगा एरिया वेक्टर एस लोगे तो भी चलेगा ये आपके ऊपर है और लिखा है मैंने तो तो ध्यान से ओके इसको सॉल्व करोगे ई तो, ई एस थीटा थीटा या फिर बोल सकते हो ए उसके बाद में हमारे पास एक गॉस लॉ आ गया था क्या आ गया था एक गॉस लॉ आ गया था ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है ये गॉस लॉ आपको आना चाहिए गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिटी फॉर्मूला लॉ ठीक है, आपका है आपका याद हो का ये तीन चीजें हमें याद करनी है प्री रिक्वेस्ट है प्री रिक्वेस्ट मतलब पहले से आपको आनी चाहिए तब ये चैप्टर में आप लोग कुछ कर पाओगे नहीं तो आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे ठीक है क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहली चीज इन्होंने डायरेक्ट दे दी है एप्लीकेशन ऑफ लॉ अगर आपको गॉस लॉ ही नहीं पता कि गॉस लॉ क्या होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड डिड बाई नॉट या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ e तो आपका कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा ठीक है तो ये आपको ये है गॉस लॉ ठीक है ये कैसे आता है ये अपन डिस्कशन करेंगे अभी टेंशन मत लेना उसका भी टोटल सरफेस पे से निकालते हैं अपन ई e डॉट डी एस तो आपको दो फार्मूला याद रखना है जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है ये एक ये वाला फ्लक्स फ्लक्स मतलब नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स

तीन एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा अभी वो कोई भी हो सकता है ठीक है तीन कौन कौन से एप्लीकेशन है सबसे पहला है आपका एक स्पेयर है स्पेयर दूसरा है स्ट्रेट लॉन्ग वायर और तीसरा है शीट तीसरा है इंफानाइट शीट ये तीन में से कोई ना कोई एप्लीकेशन डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर इसके फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेगा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन फिक्स है तो ये तीन में से कोई एक ना एक आपको आएगा ही आएगा क्लियर तो चलो पहला एप्लीकेशन देखते हैं पहले एप्लीकेशन में घुसने से पहले ये क्लास इलेवेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी है तो क्लास इलेवेंथ में ये आप लोग ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो उसमें तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हम लोग ने एक था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो लीनियर मतलब लेंथ में होगा ठीक है एक रॉड होगी उसके ऊपर कितने चार्जेस है सिर्फ रॉड ठीक है तो उसका हमें निकालना है कि कितना कितने डेंसिटी है ठीक है तो आप लोग ये निकाल सकते हो लैमड़ा इजिकल्स टू क्यू बटे एल सरफेस चार्ज सरफेस मतलब एरिया होगा कि एक एरिया के ऊपर कितने चार्जेस है ठीक है एक एरिया के ऊपर कितने चार्जेस है चार्जेस पर यूनिट एरिया और एक वॉल्यूम है वॉल्यूम में कितने चार्जेस है ये आपको निकालने हैं आपका वॉल्यूम हो गया इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे आपको ये निकालना ठीक है मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगा उसके अंदर तो ये हो गया आपके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों फॉर्मूला याद रखना है चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है है ये इसकी यूनिट कूलम पर मीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर कूलम पर मीटर क्यूब योग कहानी तो बेसिक बेसिक चल रहा है पहला डेरिवेशन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन आएगा ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल औरपेयर ठीक है एक्सपेरिकल शेल की वजह से या फिर होलो की वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ठीक है हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड आउट करना है क्या क्या लिया हम लोग ने हमारे पास एक रिस्पेयर है जिसका रजिस्टेंस है आर कैपिटल आर ठीक है तो यहां पर देखो दे दिया है यहाँ पर ये यह अपना डायग्राम है यहाँ पर ये यह अपना डायग्राम है तो हमें करना क्या क्या है

उसके अलावा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता ठीक है तो ये डायग्राम बनाना है डायग्राम आपका एक मार्क्स देगा या फिर आधा मार्क्स आधा मार्क्स तो पक्का है डायग्राम विदाउट डायग्राम प्लीज अटैम्प मत करना जीरो मार्क्स मिल जाएगा तो डायग्राम निकालना ही निकालना है डायग्राम कैसे है? समझते अपन एक स्पेयर है जिसका रेडियस है आर इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस है जो कि यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब सर हर जगह पे चार्जेस क्या है इक्वल है हर जगह पे चार्जेस क्या है इक्वल है अभी इसके अराउंड इसके अराउंड एक गोशियन सरफेस एक इमेजनरी सरफेस ले लेते हैं क्या कर लेते हैं अपन एक इमेजनरी सरफेस ले लेते हैं एक ओरिजिनल स्पेयर एक ओरिजिनल स्पेयर और उसके बाहर एक इमेजनरी स्पेयर ठीक है जिसका लेंथ कितना है जिसका डिस्टेंस है स्मॉल आर जिसका डिस्टेंस है स्मॉल आर सो अभी हमें क्या करना है अभी हम लोग अभी हमें क्या करना है अभी ये चार्जेस है तो इसमें से क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बाहर की तरफ निकलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है ऐसे हर जगह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी लेकिन डायग्राम को गंदा नहीं दिखाना इसलिए अपन थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ताकि अपना डायग्राम गंदा ना दिखे ओके तो so, ये हो गया अपना कहानी हम लोग क्या करेंगे हम लोग बातें करेंगे छोटी से हम लोग बातें करेंगे एकदम छोटा छोटा तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हम लोग क्या करेंगे छोटा सा एरिया लेंगे क्या करेंगे एक छोटा सा एरिया लेंगे तो चलो लेते हैं सर छोटा सा एरिया अभी मैं स्लो चल रहा हूँ अभी मैं स्लो चल रहा हूँ सेकेंड डेरिवेशन से फास्ट चलूंगा मैं एक छोटा सा एरिया ले लिया एक पी पॉइंट में छोटा सा एरिया ले लिया यहाँ पे क्यों लिया ऐसे मेरा मन किया मैंने ले लिया ठीक है ये पी पॉइंट पे हम लोग ने छोटा सा एरिया ले लिया अभी इस छोटे से एरिया इमेजिन करो आपके पास एक है है पासे एक पासे एक है ठीक आपके पास एक उस पेर में से आप लोग ने छोटा सा एरिया ले लिया एक छोटा सा एरिया ले लिया तो उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा एरिया वेक्टर ऐसा आएगा या ना बोलो उसका आपके बुक में नाम दिया डीएस छोटा सा एरिया है डी तो उसका छोटा सा एरिया वेक्टर डी एस एरिया है तो एरिया वेक्टर भी कैसे निकलेगा बाहर की तरफ निकलेगा छोटा yes no? सा एरिया ds और उसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा ये एरिया ये वेक्टर तो हमें यहाँ से डायग्राम से देखिए क्या दिख रहा है कि सर ई एंड ए ए बोलो चाहे डी एस बोलो ए बोलो चाहे डीएस बोलो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और जब कोई दो चीज पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है एंगल होता है जीरो एंगल होता है जीरो बहुत बढ़िया सर ये भी समझ में आ गया आगे नेक्स्ट करना क्या है सर तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है फ्लक्स कि छोटे से से एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है तो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे छोटा सा एरिया है तो थोड़े ही फ्लक्स निकलेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डी एस अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे सेम है तो एरिया छोटा फ्लक्स छोटा बहुत बढ़िया ठीक है जिनको बहुत ही हार्ड लग रहा है छोड़ दो कभी अभी मैं कुछ नहीं कर सकता अभी आप लोग ने अपने दिमाग में फिक्स कर ही लिया है कि सर हार्ड ही है हार्ड ही है हार्ड ही है हमसे ना हो पाएगा तो मुझसे भी ना हो पाएगा ठीक है तुम चले जाओ भैया तुम चले जाओ कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा ओके चलो इसको सॉल्व करो भैया ई डी एस इनके बीच का क्वेश्चन एंगल थीटा अभी एंगल जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है तो ये आपको मिल गया फ्लक्स ये आपको मिल गया फ्लक्स यहाँ पर देखो आपको मिल गया फ्लक्स छोटा फ्लक्स उसमें उस उतने छोटे एरिया में से डी एस एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है इतना फ्लक्स निकल रहा है इतना फ्लक्स निकल रहा तो क्या अभी अपने को इतना सा फ्लक्स निकालना है नहीं सर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे एरिया में थोड़ा, थोड़ा 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 कर करके मुझे क्या करना पड़ेगा पूरा एरिया निकालना पड़ेगा मुझे पूरा एरिया निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा तो मेरे पास एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर लूंगा क्या करूंगा यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर लूंगा लेकिन इंटीग्रेशन यूज करने से पहले अभी हमारा काम क्या है हमारा काम है टोटल चार्जेस निकालना तो टोटल चार्जेस कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो अभी एक सरफेस है तो वी कैन यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ क्यू बाय ए वेरी गुड अभी एरिया एरिया क्या आएगा गया स्पेयर ऑफ एरिया क्या होता है एरिया ऑफ स्पेयर फोर पाई आर स्क्वेयर बहुत बढ़िया क्रॉस मल्टीप्लाई किया टोटल चार्जेस मिल गए टोटल चार्जेस मिल गए बहुत अच्छे सर बहुत बढ़िया वेरी गुड अभी सर फिर बाद में निकाला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बटेल नॉट तो क्यू बटेल नॉट क्यू की वैल्यू पता है यहाँ पर पुट कर दी तो so, मुझे फ्लक्स मिल गया अभी भी ये कर, पूरा मिला क्या इन्फॉर्मेशन नहीं अभी भी ये पूरा नहीं मिला है अभी भी ये पूरा नहीं मिला है तो आप लोग क्या करोगे ये छोटा वाला एरिया से पहले इंटीग्रेशन करोगे करो इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन ठीक है तो यहां से देखो मैं इसको पहले रीअरेंज कर देता हूँ सॉरी मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ पहले मैं इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ हाँ इसके ऊपर ताकि आप लोग को जब नोट्स मिले तो कन्फ्यूजन ना हो पहले छोटा छोटा फ्लक्स निकाल लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अपन ने ये किया दिया ठीक है इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्स मिला के मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा ई e कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस तो डी एस क्या देगा मुझे पूरा एरिया दे देगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर तो मैंने एस ले लिया सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफर ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे तो यहाँ पे भी फ्लक्स मिला हमें और अभी पीछे भी हमें फ्लक्स मिला था यह देखो यह भी फ्लक्स, तो फ्लक्स, फ्लक्स। तो इक्वेशन नंबर वन नाम दे दोन नंबर टू नाम दे दो और दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां पर देखो दोनों इक्वेट कर दिया इक्वेशन नंबर वन ऑट टू से जैसे वन ऑट टू से आया इंफॉर्मेशन क्रॉस मल्टीप्लाई किया फोर पाई से फोर पाई कर दिया ये सब नीचे आया तो अपने को लास्ट आंसर मिल गया लास्ट आंसर हमें मिल गया तो ये था अपना डेरिवेशन बहुत प्यार से अपने कंप्लीट कर दिया e इज इक्वल्स टू एप्सलॉन सिग्मा अपॉन एप्सलॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो गया कहानी खत्म हो गया कहानी इतना ही था यस yes, इतना, इतना ही अपना कहानी थी इतना ही अपना कहानी था ये देखो यस yes. सब कुछ आपके बुक में सामने दिया है सब कुछ ठीक है कहीं जाने की जरूरत नहीं है ई e निकाला एप्सिलॉन निकाला यहाँ से यहाँ से टोटल निकाला ठीक है ई डी एस ई एस मिल गया अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई किया एस का यहाँ पर रखा वैल्यू यहाँ पर लिख भी लेते हैं एस इज़ इक्वल्स टू फोर पाई आर स्क्वायर तो वो उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया एस की जगह पे ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो ये हो गया अपना पहला डेरीवेशन ठीक है अब इसके केसेस दिए गए हैं कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो मतलब ये है ये स्मॉल कैपिटल आर था और ये स्मॉल आर था तो अगर ये पॉइंट ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाए तो आप लोग क्या करोगे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख सकते हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर तो ये कट गया बचा क्या अपने पास एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये एक फार्मूला बन गया मतलब क्या अपने सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर आ गए और एक और बात याद रखना हमेशा ये याद कर लो कि अगर सरफेस के अंदर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले कहां पर कभी भी अगर इनसाइड दी स्पेयर इनसाइड दी कंडक्टर इनसाइड दी कुछ भी इनसाइड कंडक्टर इनसाइड स्पेयर इनसाइड कुछ भी बोले तो इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो मान लेना बात ठीक है अंदर कुछ भी नहीं होता यस yes, बोलो यस yes, देखो स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे जैसे अनुषा हर लेक्चर में आती है अच्छे से बैठती है चुपचाप सुनती है ठीक है समझने की कोशिश करती है तो उसको तो अभी इजी पढ़ने लगा क्योंकि देखो फिजिक्स इज समथिंग लाइक मैथ्स ठीक है अभी मैथ्स में भी बहुत सारे बच्चे को डर है क्यों डर है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया ना पूरे साल प्रैक्टिस नहीं किया पूरे साल प्रैक्टिस नहीं किया तो एक महीने में क्या ही हो जाएगा ठीक है चलो तो उसमें से हम लोग को इलेक्ट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे सर ध्यान से देखो ये है डायग्राम भी इंफाइट है और यहाँ से भी इंफानाइट है तो अपन क्या करेंगे देखो ये सबसे पहले कंडक्टर आपको एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है सिलेंडर जैसा दिख रहा है हाँ सर सिलेंडर जैसा दिख तो रहा है तो सिलेंडर so, के ऊपर चार्जेस so, yes no? हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकले कोई दिक्कत वाली बात कोई परेशानी नहीं सर अभी ध्यान से देखो अभी ध्यान से देखो इसका रेडियस है आर ठीक है हम लोग ने एक एल लेंथ की हम लोगों ने एक एल लेंथ की गौशियन सरफेस अराउंड कंडक्टर अज्यूम कर ली क्या कर ली एक गौशियन सरफेस अराउंड कंडक्टर अज्यूम कर ली जिसका रेडियस क्या है सेंटर से स्मॉल आर यस फिर से वही कहानी एक छोटा सा एरिया लिया पी पॉइंट पे उस छोटे से एरिया में से डी एस और ई e, दोनों क्या है पैरेलल निकल रहे हैं दोनों पैरेलल होंगे तो हमें क्या करना है सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना है फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद में गोस्लो लगाओगे गॉस लॉ लगाने के बाद में इक्वेट कर दोगे कहानी खत्म कहानी खत्म तो पहला स्टेप टोटल चार्जेस निकालना है तो ये क्या दिख रहा है कंडक्टर है सीधा सीधा लेंथ है उसके पास तो वी विल यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है लैमडा इक्वल्स टू क्यू बटे एल तो क्यू बटे एल आ गया अब यहाँ से क्यू मिल गया आपको क्या मिल गया क्यू मिल गया गॉस लॉ लगा दो इज इज इक्वल इक्वल्स टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ से अपने को फ्लक्स मिल गया ये मिल गया गॉसलो मिल गया गॉसलो लगा दिया अभी गॉसलो के बाद अभी अपन क्या करेंगे एक छोटे से एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा e.ds अभी आपको पता है कि e nds r पैरेलल r पैरेलल सो एंगल इज इक्वल्स टू 0 सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल जाएगा फिर से दोनों पैरेलल है एंगल जीरो है वन हो जाएगा तो अपने को ये फ्लक्स मिल गया और डीएस क्या है छोटा सा एरिया है फिर फिर से कहानी हुई टोटल फ्लक्स निकालेंगे अपन टोटल फ्लक्स निकाला ई बाहर आ गया अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन करते ध्यान से हाँ अभी इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचा अभी स्पेयर केस के में इंटीग्रेशन डीएसएस ले लिया था अपन ने सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर लेकिन यहाँ पर अपन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर अपना एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का हम लोग एरिया कैसे लेंगे सिलेंडर का एरिया कैसे लेंगे बताओ सिलेंडर का एरिया हाँ सर ईजी है ना ये सरकम फेरेंस इन टू लेंथ तो हमने एजूम किया था लेंथ कितनी थी लेंथ एल सरकमेंस कितना आ जाएगा टू पाई आर तो इससे मुझे एरिया मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या मिलेगा अपने को एरिया विच इज इक्वल टू टू पाई आर एल यहां पर क्या लिख दिया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टू पाई आर एल ये सिंपली ये क्या बताता है ये सिंपली हमें बताता है एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप जो भी एरिया है ठीक है एरिया ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल शेप टोटल एरिया टोटल एरिया ऑफ द जोमेट्रिकल शेप ओके इंटीग्रेशन तो रख दिया पुट कर दिया अभी देखो ये एक इक्वेशन इक्वेशन आ आ गया गया ठीक है फ्लक्स का एक आ गया, दोनों को पुट किया एल लैम नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई किया एल से एल मर गया बाकी अपना फॉर्मूला बचा इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा बोल रहा हूँ मैं लैमडा अपॉन एप्सलॉन नॉट टू पा आर तो इसमें एक पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपनी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती ठीक है तो लेंथ अपना क्या है लेंथ अपना एक बैरियर नहीं है इनफाइनाइट रहने दो फाइनाइट रहने दो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है तो स्टेप समझ लो फिर से स्टेप बता रहा रहो फिर से क्या क्या करना है छोटा सा एरिया लिया तो सबसे पहले स्मॉल फ्लक्स फाइंड आउट करोगे स्मॉल फ्लक्स कितना जा रहा है स्मॉल के बाद उसको टोटल फ्लक्स निकालोगे टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन करके फिर तो उसके बाद में टोटल चार्जेस निकालोगे क्या निकालोगे टोटल चार्जेस निकालोगे टोटल चार्जेस निकालने के बाद के बाद बाद में में क्या लगाओगे गॉस गॉस लॉ लॉ लगा दोगे लगाने दोनों को इक्वेट कर दोगे इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को इक्वेट कर दोगे और ई e का वैल्यू लेके चले जाओगे ई e का वैल्यू लेके चले जाओगे खत्म ई e का वैल्यू लेके चले जाओगे इतना ईजी है ये देखो अभी यहां पर क्या दिखाया है अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है ये अपने को पता है चलो थर्ड आ गया डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन्फानाइट प्लेन शीट अब एक शीट है ठीक है एक शीट एक पेपर है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बताए इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है बच्चे भूल जाते हैं हम लोग क्या करते हैं इस शीट में दो एरिया होंगे एक ये साइड वाला एरिया और एक ये साइड वाला एरिया तो एक साइड वाले एरिया का अपन ने टोटल कैलकुलेशन करेंगे टोटल फ्लक्स निकालेंगे सब कुछ करेंगे प्लस सेकेंड साइड वाला एरिया भी आपको लेना है तो याद रखना कि दो एरिया लेना हमेशा टू करना है दो टाइम्स यस तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये पहला एरिया इसके ऊपर चार्जेस है प्लस सेम कहानी इसके पीछे भी चल रही है ओके तो ये जो है ये अपना गौशन सर्फेस हम लोग ने एक छोटा सा ट्यूब जैसा गौशन सर्फेस ले लिया शीट से पी डिस्टेंस और शीट से यहां पर पी डैश डिस्टेंस दूर यहाँ पर अपन ने क्या लिया गौशन सर्फेस ले लिया छोटा सा एरिया है उसमें से अपना डी और ई क्या कर रहे हैं दोनों पैरल है डी एंड ई क्या है पैरल है दोनों पैरल है इसका मतलब एंगल कितना है एंगल जीरो है एंगल जीरो मतलब कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई तो आपके पास दो ऑप्शन है पहले आप लोग फ्लक्स निकालो फाई के पी पी के लिए फिर फ्लक्स निकालोगे पी डैश के लिए फिर दोनों को ऐड कर दोगे दोनों को ऐड कर दोगे ऐसे करो चाहे जैसे आपके बुक में लिखा है वैसे भी कर सकते हो तो अब आपकी मर्जी है क्या किया मैंने पहले इस पॉइंट के लिए पी पॉइंट के लिए फ्लक्स निकाला फिर पी डैश पॉइंट के लिए फ्लक्स निकाला और फिर टोटल फ्लक्स निकाला ड्यू टू शीट तो टोटल फ्लक्स कैसे आ जाएगा इसके वजह से और इसके वजह से तो दोनों की वजह से मैंने ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद क्या बचा भैया अभी देखो तो ये तो अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया लेकिन आपने क्या किया था छोटा सा एरिया लिया था छोटा सा एरिया पी पे डी एस लिया था तो उसके जैसे छोटा सा फ्लक्स आएगा यहाँ पर छोटा सा फ्लक्स आएगा यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया छोटा सा फ्लक्स ऐड किया फिर बाद में क्या किया इसकी वैल्यू रखी यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर दोनों रख दी देखा तो मुझे क्या किया इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन लगाने के बाद में मैंने क्या किया ये टोटल फ्लक्स मुझे मिल गया फाइव अभी यहाँ पर ई कॉन्स्टेंट है ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अभी हो प्लेन इन्फानाइट शीट है प्लेन इंफानाइट शीट है तो इसका एरिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डी एस को सीधा ए ले लिया भैया मुझे इसका एरिया पता नहीं क्या है तो मैंने ए ले लिया कहानी खत्म क्या ले लिया मैंने ए ले लिया पिक्चर so, so, समाप्त हो गया टू टाइम्स ऑफ ई क्या हो गया? Okay? So, ये हो गया अपनी कहानी फिर से सरफेस है ना तो सरफेस के लिए क्या लोगे सरफेस चार्ज आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर लिख लो ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी रख दिया फिर से यहां से क्यू मिल जाएगा क्यू मिल गया अपने को घोसलो है अपने पास तो घोसलो में उठा के रख दिया फ्लक्स का वैल्यू ऑलरेडी मिला है वो भी पुट कर दिया यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको ई e का फॉर्मूला मिल गया क्या मिल गया ई e का फॉर्मूला मिल गया यस yes. क्या मिल गया आपको ई e का फार्मूला मिल गया बोलो इतना ईजी है देख हो कितना ईजी है यस yes. बताओ बोलो ठीक है ये नोट्स सब मिल जाएंगे आपको ये नोट्सवीट सब मिल जाएंगे आपको कहाँ पर मिलेंगे ये नोट्स आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और यहाँ पर चैट में भी आपको मिल रही है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो वेरी गुड यस बहुत बढ़िया चलो बहुत अच्छे तो तीनों एप्लीकेशन हो गए अपने तो तीन एप्लीकेशन हो गए खत्म अभी चलते आगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन अपन कर लेंगे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा है और कॉन्सेप्ट समझो ठीक है क्या किया है? ध्यान से सुनना अपने पास एक चार्ज है जिसको अपन ने पॉइंट ओ पे रखा है ठीक है तो इसके बाद में एक पॉइंट लिया अपन ने थोड़ा सा बी पॉइंट लिया और एक ए पॉइंट लिया हमने क्या किया हम लोग ने एक छोटा सा चार्ज लिया ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज ठीक है कहाँ पर लाया पॉइंट ए पे लाया अभी इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आना है मतलब आर वन से चलाकर आर टू तक लाना है आर वन से चला के आर टू तक लाना है तो कैसे लाओगे ध्यान से क्वेश्चन ध्यान समझना यहाँ पर एक ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू यहाँ पर अपने छोटा सा चार्ज ला के रखा है और इसको यहाँ से यहाँ चलना है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये यह चार्ज यहाँ पर बैठा है यहाँ से इलेक्ट्रिक एलेक्ट्र, फील्ड निकालेगा बाहर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेगा बाहर हाँ ना हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेगा इसका मतलब जब ये चार्ज इसके पास आएगा इसके नजदीक आएगा तो ये इसके ऊपर क्या करेगा फोर्स लगाएगा और इसको दूर भेजेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिफल करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तो इसको एक फोर्स लगेगी जो फोर्स कैसे होगी आउटवर्ड होगी जबरदस्ती करके इसके पास लेके आ रहे तो अपन ने क्या किया पहला यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस चले डीआर तो सबसे पहले बताओ कितना काम करना पड़ा अपने को डन कितना करना पड़ा डन करना पड़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट कितना डीआर अब यहां पर माइनस एन आ गया माइनस एन क्यू आया माइनस एन ये इंडिकेट करता है कि काम इस तरफ हो रहा है अपन चल इस तरफ रहा है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रही है चल इस तरफ रहा है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रही है तो इतना काम किया और यही काम यही वर्क यही वर्क डन आपका स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में तो ये आपका बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है तो ये फॉर्मूला कैसे बना सब लोग को समझ में आ गया यस yes? कॉन्सेप्ट समझ से जाओ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है फिर से बैक 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 जाओ फिर से सुनो और फिर से आना यस तो ये हो गई कहानी अभी छोटा सा वक डन था छोटा सा वकड डन था वहां पर अपने पास क्या था माइनस एफ ई डी आर ठीक है तो अभी टोटल वकडन निकालना था फिर से इंटीग्रेशन कर दोगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ यहाँ पर देखो लिमिट आ गई है आर वन से लेकर आर टू कहाँ से लिखा सर लिमिट ये देखो पहले चार्ज यहाँ था मतलब आर वन डिस्टेंस दूर था फिर यहाँ से वो आर टू पर जा रहा था लिमिट मिल गई अपने को आर वन से लेके आर टू तक तो यहाँ पर लिमिट भी रख दिया है तो आप लोग ये लिमिट रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सर कि यहाँ पर एफ ई है ठीक है ये एफ ई को कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर डी आर है तो इसके बीच में कोई आर का पैरामीटर होना चाहिए था जिसको अपन डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते थे और अपना आंसर आ जाता तो ये एफ ई है फोर्स ठीक है तो दो चार्ज अपने पास है बीच में फोर्स लग रही है तो अपना कूलम्स फॉर्मूला ऑलरेडी आ जाता है तो कूलम्स लॉ अपने पास ऑलरेडी है ये अपना कूलम्स लॉ है एफ इजिकल्स टू क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर ठीक ये आता है, के? आप F में भी लिख सकते है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये है ये कहां से आया आया अभी यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यू शो कर रहा है क्योंकि ये जो आर है और जो एफ है वो क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्टर है आर मतलब पोजिशन वैक्टर चार्ज की पोजिशन बाहर की तरफ दिखा रहा है और फोर्स अंदर की तरफ लग रही है मतलब पोजिशन अंदर की तरफ जा रहा है ठीक है चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हो अंदर फोर्स लग रहा है दोनों माइनस साइन आपको दिख रहा है ये माइनस साइन और बाद में का माइनस साइन दोनों प्लस ही होने वाले तो उसका टेंशन मत लेना आप लोग या फिर एक कोई भी प्लस रखना है आपको कोई भी एक प्लस रखना है ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है कोई भी एक एक माइनस साइन रखना है सॉरी कोई भी एक माइनस साइन रखना है या तो ये एक माइनस साइन रख लो या तो पहले वाला रख लो तो मैं तो आपको बोलूंगा ये हटा दो इसको ठीक है इसको सिर्फ ये याद रखो ये हटा दो एफ इजिकल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्र बस इतना लिख देना खत्म और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है अभी इसको उठा के इज्जत से जो अपन ने फार्मूला रखा था इंटीग्रेशन एफ डी आर में माइनस में ये माइनस एन बाहर निकाल देते अपन ये एफ की वैल्यू यहाँ पर चुपचाप पुट कर दो इसमें से कॉन्स्टेंट निकाल दो बाहर बार ये बाहर निकाल दिया कॉन्स्टेंट ये बाहर निकाल दिया कॉन्स्टेंट निकल गया बाहर अभी यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर आ गया ये मैंने किया है सॉल्व ये देखो किया है मैंने सॉल्व यहाँ पर आप लोग माइनस निकाल दो सब निकाल दो कॉन्स्टेंट निकल गया बाहर बचा आर आप स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सकता हूँ तो यहाँ पर देखो लिख दिया अभी इंटीग्रेशन एक्स रेस टू वन डी एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन तो एन की वैल्यू क्या है माइनस टू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन तो क्या आएगा भैया क्या बचेगा ये बचेगा माइनस टू प्लस वन तो क्या बचेगा माइनस वन माइनस टू प्लस वन तो क्या बचेगा माइनस वन तो यही आप लोग फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा अभी ध्यान से क्या मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो ये वन है नीचे ये माइनस साइन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा और ये गायब हो जाएगा वन बहुत बढ़िया सर अभी ये माइनस वन को मैं नीचे लिख सकता हूँ वन अपन आर हाँ सर लिख सकता है ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बाहर आके कट हो जाएंगे बचेगा वन अपन आर अभी रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो एक एक स्टेप करके दिखाया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये आ गया आपका फॉर्मूला ये आ गया आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन अगर अगर ये कैपिटल क्यू की जगह पे क्यू वन रख दो क्यू नॉट की जगह पे क्यू रख दो जगह पे आर रख दो जगह पे इन्फिनिटी रख दो इन्फिनिटी मतलब ए मतलब लो लो पे ला के रखा था फिर ए से आप लोग पॉइंट बी पे लेके जा रहे थे तो इस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है विच इज यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर याद कर लो फॉर्मुला फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी अभी उसकी याद है अपने को जूल्स होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ड भी है एनर्जी की तो आप लोग ये भी याद रख सकते हो इवन इलेक्ट्रॉन वोल्ड इज इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन जूल्स होती है क्लियर है डेरीवेशन भी आपको मैंने दिखा दिया प्यार से दो बार सुन लो दो बार समझ लो लिख लो सुन के कुछ नहीं होगा लिखो लिखो यहाँ पर अपने वैल्यू पुटअप किया यहाँ पर पुटिंग किया वैल्यू पुटअप किया अजम्पन कि क्यू को क्यू ले लो क्यू वन ले लो क्यू टू ले लो आर वन को इन्फिनिटी ले लो तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा हमेशा याद रखना ये फार्मूला देखो सिमिलर दिखेगा किसके सिमिलर दिखेगा एफ इजिक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर इसके देखो सिमिलर दिख रहा है दोनों में फर्क क्या है यहाँ पर, पर आर स्क्वेयर है ये फोर्स बन गया और यहाँ पर सिर्फ आर है तो सिर्फ आर होगा तो हमेशा क्या होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्लियर हो गया ये चलो बहुत बढ़िया यस yes? अभी कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल आ गया कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल अब ये कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल आपको कैसे याद रखना है इजी है सबसे पहली बात आपको एक फार्मूला याद है जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज नहीं पता तो याद कर लो नहीं पता तो याद कर लो अभी अपन ने क्या बोला था अभी हमने क्या बोला था कि जो भी काम होगा वो किस में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा तो यहां पर भी सेम एप्लीकेबल होगा ना यहां पर भी सेम एप्लीकेबल होगा एक जगह पे अपन एक लॉ लगा रहे दूसरी जगह पे दूसरे लॉ थोड़ी लगाते हैं तो यहां पर भी वही एप्लीकेबल होगा वी इजिकल्स टू यहां पर वर्क डन हो रहा है तो किस में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं बना के दिखाता हूं देखो ये अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं यहाँ पे देखो आ जाओ फॉर्मूला क्या था अपने पास यू इजिकल्स टू वन अपन फोर पे एप्सल नोट को मैं के लिख रहा हूँ क्यू वन क्यू टू बटे आर

मैं पर बोल सकता हूं यू इजिकल्स टू वी वन क्यू टू या फिर इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख दू यूकल्स टू के क्यू टू आर अपॉन क्यू वन बाहर कर दू मैं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा U two, V2, Q. अरे देखो घुमा फिरा के ऐसे खाना खाओ चाहे ऐसे खाना खाओ खाना यहां से खाना है ना तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला देखो चाहे ये वाला फार्मूला देखो आप लोग ये वाला फॉर्मूला देखो चाहे ये वाला फॉर्मूला देखो, देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा

एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बटे आर क्यू R K आर के का मतलब क्या के का मतलब होता है वन, वन फोर पाई के का मतलब क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्लियर यस तो यही मैंने आपको लिख के भी दिया है आप लोग रिफर कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर देखो ये पूरा लिख के दिया पूरा लिख के दिया है ठीक अभी आ जाता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमें बताना है ई e और V के बीच में रिलेशन इनके बीच का रिलेशन बताना है तो बहुत ही ईजिली है आप लोग इसको रीड भी कर सकते हो ठीक है इसका डायग्राम आपको आगे वाले में दिखेगा कि आपके पास एक चार्ज है ठीक है एक चार्ज रखा है उसके नज़दीक आप लोग एक और चार्ज लेके आ रहे हो तो जब वो चार्ज लेके आओगे तो उसको कितना काम करना पड़ेगा उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी एक्सेट्रा 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 एक ये आपके बुक में बोला गया है तो मैं यहां पर सीधा बताता हूं देखो एक चार्ज रखा है क्यू नॉट एक इन्फिनिटी से चार्ज उठाओगे और इसके पास लेके आओगे ये भी कौन सा होगा पॉजिटिव चार्ज तो दोनों क्या करेंगे रिपल करेंगे एक दूसरे को लेकिन आप लोग क्या करते हैं यहाँ से जबरदस्ती उठा उठा के इसके नजदीक लेके आते हैं तो हम लोग काम करते हैं कुछ वर्क डन एफ डॉट डी एक्स अभी डिस्प्लेसमेंट डी एक्स मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा नजदीक आ रहे हैं ओके अभी ये आपका फॉर्मूला है अभी माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रही थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका इधर आ रहा था यस तो माइनस सैन ये इंडिकेट कर रहा है अभी आपको एक और फॉर्मुला पता है फोर्स का फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया था गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू यस एफ इक्वल्स टू एफ ई याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है याद आया इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज तो यहाँ पर यह फॉर्मूला उठा के रख दो माइनस ई क्यू नॉट डीएक्स अभी एक बात आपके बुक में यहां पर देखो इसको मैं नीचे कर दू ई डब्ल्यू इजिकल्स टू क्यू माइनस ई डी एक्स अभी मुझे बताओ W अपॉन क्यू क्या होता है W अपॉन क्यू क्या होता है अब भी मैंने बताया W अपॉन क्यू क्या होता है वो होता है डी वी या फिर V बोल सकते हो ठीक है चार्ज वही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है आपका V होता है तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया आपको ये फॉर्मूला मिल गया और यही फॉर्मूला आपके बुक में लिखा है ये थोड़ा सा तिड़ा करके लिखा है अपॉन e. ऐसे लिखो चाहे इसको माइनस को हटाना है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन e क्या बोला मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ठीक है तो ये फॉर्मूला हमें दिया है यही फॉर्मूला दिया है ऐसे इसको डिराइव किया गया है ठीक है तो ये डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारी चैनल पे मिलेगा तो ये इसका डेरिवेशन है ये इसका डेरिवेशन है यस यस बस फिजिक्स पार्ट टू मेरा वीडियोस देख लो कहानी खत्म मेरा वीडियोस देख लो खत्म बहुत इजी है पार्ट टू इज वेरी, वेरी 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 इजी कंपेयर टू तो पार्ट वन यस चलिए आगे चलते हैं जीरो पोटेंशियल मतलब जीरो पोटेंशियल मतलब ग्राउंडिंग होता है ठीक है इसके ऊपर ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे ग्राउंडिंग मतलब सर अर्थिंग अर्थिंग बोलते हो ना कि जहां से आप लोग एक चीज़ को रेफरेंस मानते हो ना रेफरेंस मान के अभी यहाँ से ये जीरो पोटेंशियल ये वन वोल्टेज टू वोल्टेज थ्री वोल्टेज तो किसी को रेफरेंस लोगे तो हम लोग अर्थ को एज अ रेफरेंस लेते हैं और अर्थ के अर्थ पे क्या है अर्थ जीरो पोटेंशियल पे है ग्राउंडिंग है ठीक है तो उससे अपन मेजर करते हैं तो ये अपने हिसाब से अपन कहीं पे भी कितना भी वैल्यू ले सकते हैं ठीक है तो इसको जीरो पोटेंशियल बोलते हैं जीरो पोटेंशियल मतलब ग्राउंडिंग नेचुरल ठीक है अर्थिंग बोल सकते हो आप लोग नेक्स्ट uh, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा हाँ ये फार्मूला याद यूज हो सकता है ई इजिकल्स टू वी अपॉन एक्स ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है अगर आपको यहां पर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आपको पोटेंशियल देंगे वी देंगे और एक्स दे देंगे तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आपको क्या पूछते हो है वी निकालने पूछते ई e एक्स वी निकालने पूछते हैं ये एक्स क्या है ये एक्स डिस्टेंस है ये एक्स क्या है डिस्टेंस ठीक है ये एक्स क्या है डिस्टेंस है ठीक है तो ये पोटेंशियल निकालने बोलते हैं हर बार पोटेंशियल निकालने बोलेंगे बस ठीक है हेलो अनुराग हेलो आ, तो पढ़ाई नहीं करना है श्रद्धा फिर न्यूज़ देख लो भैया आज की जनरेशन तो ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है ए भगवान क्या बोलूँ मैं अच्छा वैसे क्या क्या आया क्या वीडियो में हमको भी देखना है आया क्या है वैसे वीडियो में ठीक है हो रहा है ना एग्जाम हो रहा है ना चलो आगे चलते हैं ठीक है भैया हम अभी पढ़ा के खत्म करते हैं ठीक है थीके? जिनको पढ़ना है पढ़ो बाकी सब तो ऐसे भी मजा कर ही रहे हैं अभी आर्बिटरी मतलब रैंडम ना यस yes, आर्बिट्री मतलब रैंडम होता है चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस मैं फिर से चार्ट बन कर रहा हूँ मैं भी नहीं देख रहा छोड़ो मैं पढ़ा देता हूँ वैसे भी बोलते हैं ना देखो वैसे भी एक कड़वी सच्चाई मैं बता देता हूँ वैसे भी हमेशा चौदह से पंद्रह लाख बच्चे बोर्ड्स देते हैं उसमें से सिर्फ टॉप वन परसेंट बच्चे टॉप करते हैं वो टॉप क्यों करते हैं क्योंकि वो दुनिया से दुनिया से लेना देना उनका कुछ नहीं है वो चुपचाप पढ़ाई करते हैं और उनका काम पढ़ाई करना ही है ठीक है और बाकी समझ जाओ बाकी अपने बारह तेरह लाख बच्चे ऐसे ही है ठीक है वो बोलते ना उनके पास डायरेक्शन नहीं है कुछ नहीं है ठीक है चाहे तो अभी इसके ऊपर मैं क्या ही प्रवचन दू तुमको पढ़ाई नहीं चाहिए इसके ऊपर कभी और आते लाइफ कभी और चलो यहां पर आ जाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी यहां पर थोड़ा सा ना थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग टॉपिक क्या दिया गया है क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों में यहाँ पर बहुत कुछ पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है कि v क्या है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज चार्ज एक की वजह से कितना होगा यह हमें बताना है एक चार्ज की वजह से वी कितना होगा यह बताना है हमें ठीक है तो आपको एक चार्ज होगा एक डायपोल होगा और एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे मतलब एक डायपोल एक चार्ज और एक सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस होंगे अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है अब यहाँ पर लिखा गया है डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोसैडिक्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमें क्या करना है डिराइव करना है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोसैडिक्स पोटेंशियल निकालना है इसकी कहानी समझते कि ये कहानी आखिर बोलना क्या चाहता है एक पॉइंट है ओ पॉइंट उस ओ पॉइंट पर अपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है क्या रखा है पॉजिटिव चार्ज एक इंफिनिटी से एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेके आते हैं और उसको हम लोग कोई एक पॉइंट पर ला रखते हैं मान लो वो पॉइंट है एम इन्फिनिटी से उठा के लाया इस पॉइंट पे रखा अभी इस पॉइंट से वो चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक लाना है कहाँ से लाया अपन ने चार्ज इनफिनिटी से लाया है कहाँ से लाया इनफिनिटी से लाया है अभी वो इन्फिनिटी से लाया हुआ चार्ज को उठा के आप लोग एम पे रखोगे और उस एम से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पॉइंट ओ की तरफ चलोगे और कहाँ तक चलना है आपको पॉइंट ए तक चलना है पॉइंट ए तक जाके बैठ जाना है आपको तभी तो बताओ मुझे ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज तो दोनों क्या करेंगे रिपल करेंगे अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ठीक है क्या करेंगे रिपल करेंगे तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज अभी आपका कहानी तो थोड़ा, 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 चलते हुए आगे की तरफ चलेंगे अपन ओके चलो तो ये हो गए कहानी अपनी छोटा छोटा डिस्टेंस चल चल के अपन आगे चलेंगे तभी तो वही कहानी होगी ना फिर से वही कहानी एग्जैक्ट वही कहानी क्या करेंगे अपन फिर से अपन छोटा सा काम लेंगे छोटा सा काम निकालेंगे फोर्स निकालेंगे देखो सब लिख के दिया मैंने एक फोर्स आ गया पॉइंट चार्ज लिया है पॉइंट चार्ज तो यहाँ पर अपने टोटल चार्ज ले लिया है डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्र है फिर आपने क्या किया वर्क डन निकाला वर्क डन आ गया फिर आपने टोटल वर्क डन निकाला टोटल कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन करके अभी मैंने क्या बोला था कि इन्फिनिटी पर रखा है इन्फिनिटी से आप लोग कहाँ पर लेके आ रहे हो पॉइंट ओ पर पॉइंट ए तक लेके आ रहे हो एम से ए तक लेके आ रहे हो सेम इंटीग्रेशन अभी जो किया था अपने वन अपन एक्सक्वायर को ऊपर ले लिया तो ये इंटीग्रेशन वन एक्स टू माइनस टू हो गया डी एक्स हो गया ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा देखना है समझना है फिर से वही इंटीग्रेशन सेम टू सेम इंटीग्रेशन सब सेम टू सेम

यही आपका पोटेंशियल स्टोर यही वकदंड स्टोर हो रहा है पोटेंशियल में बताओ बोलिए V इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन आर यस बताइए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ये इसका डेरिवेशन दिया ओके विद नो प्रॉब्लम यस yes, चलो बहुत बढ़िया ये देखो आपके बुक में भी बहुत प्यार से लिख के दिया है सब कुछ आप लोग ये कर सकते हो ठीक है तो ये हो होगी आपकी कहानी नेक्स्ट अभी डायपोल वाला है डायपोल वाला टॉपिक ही नहीं है अच्छा है, फोटो ही नहीं है फोटो गायब है तो डायपोल है डायपोल लगा लो टॉपिक टॉपिक क्या है अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक क्या है टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब डायपोल का मतलब क्या है डायपल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग रखेंगे तो वो डिस्टेंस कितना होता है वो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है वो होता है ट्वेल्व वो होता है ट्वेल्व सेंटर से यहाँ से यहाँ एल होता है और यहाँ से यहाँ एल होता है तो ये आपका डायग्राम है डायग्राम समझ जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी क्या है डायग्राम है ध्यान से सुनो ए पॉइंट पे प्लस क्यू बी पॉइंट पे माइनस क्यू इस प्लस क्यू से इस एक पॉइंट पे ये सी पॉइंट ले लो इस सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है इस बी के वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है और इस सी पॉइंट पे टोटल कितना पोटेंशियल आ रहा है आप लोग क्या करोगे v इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू वी वन किसकी वजह से q1 की वजह से v2 टू वजह से q की वजह से माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से यस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से तो यहाँ से डिस्टेंस भी देख लो यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस है आर वन यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस है आर टू और यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस है आर फिर क्या किया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और इसको नाम दे दो एम और एन ठीक है इनको नाम दे दो एम एन तो आप लोग का कहानी हो जाएगा तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है डायग्राम सरल है ईजी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो सबसे पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पी इज इक्ल्स टू टू क्यू एल डिस्टेंस इन टू चार्ज डिस्टेंस कितना आएगा पोटेंशियल अभी फॉर्मूला पड़ा था फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सर V वीक्ल टू के क्यू बटे आर के की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो वन अपन फोर पाईन नॉट तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हूं अपॉन फोर पाई एप्सलॉन नॉट क्यू बटे आर ये yes. तो प्लस क्यू की वजह से इतना माइनस क्यू की वजह से इतना दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो एड करने के बाद में कुछ कॉमन निकल जाएगा तो वन अपन फोर पैप्स नॉट कॉमन निकल गया क्यू कॉमन निकल गया क्योंकि अपन ने क्या किया यहाँ पर क्यू ये भी क्यों क्योंकि क्या होता है डायपोल में मैगनेट्यूड सेम होता है डायपोल में चार्ज का मैगनेट्यूड क्या होता है सेम होता है सेम मैग्नेट्यूड सेम मैग्नेटूड होता है मतलब अगर एक कुलम का चार्ज लोगे तो वहां पर भी एक कुलम लोगे यस तो सेम कहानी क्यू बाहर आ गया तो ये अपना फॉर्मूला बन गया ये अपना फॉर्मूला बन गया अभी टोटल वोल्टेज तो पता चल गया कि सी पॉइंट पे टोटल वोल्टेज कितना है पोटेंशियल पता चल गया अभी सर तो हो गया ना नहीं अभी नहीं हुआ अभी हम लोग रखेंगे कंडीशन और यह है वो कंडीशन पहले यहां से सॉल्व कर लेंगे ट्राइंगल देखो क्या किया है? सबसे पहले डिस्टेंस देखो सी से लेके एन तक ये लास्ट वाला पॉइंट है एन सी तो से लेके एन तक इनके बीच में क्या क्या आएगा सी ओ आएगा और ओ एन आएगा अभी सी एम देखो सी एम सी एम देखो सीएम क्या दिख रहा है सर सीएम कैलकुलेट करना था सी ओ इस पूरे में से छोटा सा निकाल दो ओ एम तो आपको सी एम मिल जाएगा हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी इसमें कंडीशन क्या है यह है कंडीशन कंडीशन क्या है कि मान लो मान लो ये आर वन बराबर हो जाएगा सी एन के मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ठीक है और यह डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ठीक है तो ये कंडीशन रखने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि यह एन के बराबर है ये एम के बराबर है और सीओ किसके बराबर है वो आर के बराबर है तो हम हाँ ने ट्राइंगल ले लिया पर गया भैया ये ये है नीचे वाला लिया बीओन कहा लगाया तो ओ एन का वैल्यू मिल गया ट्राइंगल ओ एम ए इसमें ट्राइंगल लगाया कॉस्टिटा की वैल्यू लगाई ये मिल गई अपने को तो हो जाएगी तो एल की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी देखो मानो समझो ये आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो एल इतना इतना सा दिखेगा ना इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है ये बात यस तो यही आपके बुक में लिख के दिया है कि आर की वैल्यू ये कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये कंडीशन रखो इस कंडीशन के हिसाब से आर वन और आर टू तो की वैल्यू रखो उसको सब्सिटीट्यूट करो ठीक है आर वन का वैल्यू बनाओ आर टू का वैल्यू बनाओ ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके बन गए ये आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गए अभी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन उठा के सिर्फ इक्वेशन नंबर वन में जो टोटल भी निकाला था वहां पर उठा के रख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करो कैंसलेशन करो सॉल्व करो इसमें एक और बात है यहां पर ये निगलेक्ट करना है आपको तो नीचे से वो निगलेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्मूला तैयार आपका फॉर्मूला तैयार इसमें अभी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्रॉस मल्टीप्लाई है वो ब्रैकेट ओपन करना है दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा इतना ईजी है देख लो एक, -एक स्टेप करके दिया है मैंने एक एक स्टेप करके दिया है कि नहीं समझे पढ़ के समझ में आ जाए अगर सुने ना तो भी पढ़ के समझ में आ जाए ठीक है बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ के समझ में आ जाए ठीक है फिर बाद में दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू निकालना है वही बोला है ना यू निकालना है यस वेरी बड़ी भाई बहुत 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 बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लोग जाओ मैं कुछ मिस कर रहा हो क्या मैं खाली एक बार चेक कर लूँ मैं कुछ मिस कर रहा हो क्या <coughs> टेक्स बुक के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हो गया वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके यूनिट जीरो पोटेंशियल ये हो गया ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ओके यही है ना वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोसोडिक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अच्छा ये रह गया ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस चलो तो एक टॉपिक रह गया वो आप लोग लिख लो इसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब क्या है सर अपने पास एक यहाँ पर है ठीक है उसके वजह से एक चार्ज दो चार्ज तीन चार्ज चार चार्ज, ठीक है इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या हो रहा है क्यू ठीक है यहाँ पर क्यू लिख लेते हैं तो हमें सबके वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना का वो बताना है तो अपने को पता है कितना होता है एक चार्ज के जैसे होता है Q अपॉन आर एक चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं वी वन के लिए क्यू वन के वजह से क्यू वन अपॉन आर वन डिस्टेंस लेते हैं आर वन आर टू आर थ्री आर एन यहाँ पर आ गया कहानी तो ये वी वन हो गया ऐसे वी टू निकाल सकते हो आप लोग के इजिकल्स टू क्यू टू आर टू वी थ्री इजिकल्स टू के क्यू थ्री आर थ्री एंड वी एन इजिकल्स टू के क्यू एन आर एन तो टोटल निकालना है आपको टोटल क्या करोगे V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन सबको ऐड कर लो आपका कहानी हो गया आपका कहानी हो गया यस के कॉमन आ जाएगा बाकी आपका कहानी हो गया ठीक है ये आपको मिल गया टोटल पोटेंशियल इसको जर्नलाइज फॉर्मूला दिया आपके बुक में V इक्वल्स टू सबमिशन अभी पहले K निकाल दो बाहर सबमिशन से k मतलब वन अपॉन फोर नॉट निकाल दिया बाहर k या फिर सबमिशन ऑफ q अपॉन आई आई ले लो आई की वैल्यू वैल्यूज टू वन से लेके एंड नंबर तक ये आपका बन गया इक्वेशन ये आपका बन गया इक्वेशन ठीक है कोई पॉइंट नहीं है अपने पास चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया एक और फोटो छूट गई है अपनी ठीक है नहीं फोटो नहीं छूटी है वो खाली डेफिनेशन लिखे दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख के दिया है ठीक है मैं अभी रीड कर लेता हूँ आप लोग वो आप लोग वो लिख लो मैं रीड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया है वो तो आप लोग रीड कर सकते हो एक बार मैं चेक कर लो आगे दिया है क्या नहीं तो अच्छा वो फोटो डालना मैं भूल गया चलो बहुत बढ़िया तो लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दिया गया है टॉपिक क्या है टॉपिक है एट पॉइंट सिक्स ठीक है आपके टेक्स्ट बुक में एट पॉइंट सिक्स टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट एंड ऑफ इन इलेक्ट्रोसोल रखा होगा तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपको निकाल के बताना है क्या बताना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी वो आपको निकाल के बताना है तो उसके लिए दे दिया सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलने से अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज ऑफ पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड इज डिफाइंड

इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू देर प्रेजेंट लोकेशन टू देर प्रेजेंट लोकेशन अभी ध्यान से सोच समझ के मुझे बताना ध्यान से सोच समझ के बताना कि ये लिखा क्या गया है एकदम ध्यान से सोच के क्या बोला है क्वेश्चन में एकदम ध्यान से सुनो कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है बहुत हर जगह पे फैले हुए हैं तो हर एक चार्ज को लाके उसके एक पर्टिकुलर जगह पे रखना है जब हर एक चार्ज को लाके एक पर्टिकुलर जगह पे रखोगे तो क्या करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा और वही काम करने में जो एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि काम करते तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी चार्ज के अंदर तो वही एनर्जी क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है तो यह है उसका डेफिनेशन यह है उसका यस अभी कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो सारी समझ ये सारी चीज समझ में आ जाएगी पॉइंट नंबर ये यस yes. नहीं डट्टा तो मानना ही पड़ेगा लेकिन अगर इसको फील लेके समझोगे ना समझोगे सेंटेंस को समझोगे सबको और अच्छे समझ में आएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू तो असेंबल दी सिस्टम ऑफ चार्जेस टू तो ब्रिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू तो देयर प्रेजेंट लोकेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है मतलब बहुत सारे चार्जेस है उनको उठा उठा के अपने एक जगह पे लाके रखना है तो जब जगह पे लाके रख रहे हो तो कुछ काम कर रहे हो और जो काम कर रहे हो किसमें एनर्जी स्टोर हो रही है पोटेंशियल तो टेंशन एनर्जी में स्टोर हो रही है क्लियर है यस बहुत बढ़िया अभी ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से एकदम ध्यान से एकदम प्यार से सुनना कॉन्सेप्ट को समझो कॉन्सेप्ट को समझो ठीक है ये आपके तीन कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड अभी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है जो भी चार्ज है अपने पास इन्फिनी पे कहाँ पर है इन्फिनिटी पे रखे हैं। चार्ज क्यू वन को मुझे ला के रखना है पॉइंट ए पे, जो सेंटर से कितना दूर है आर वन डिस्टेंस दूर है और यहाँ पर बी पॉइंट है जहाँ पे मुझे क्यू टू ला के रखना है आर टू अब ध्यान से सोच के मुझे बताना जब मैं क्यू वन को उठा के पॉइंट ए पे लाके रखूंगा क्यू वन को उठा के ए पे लाके तो क्या Q1 को कोई काम करना पड़ेगा यस और नो क्या क्यू को वन कोई काम करना पड़ेगा अगर आपका आंसर है यस तो आप लोगों गलत उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा ध्यान से तो सुनो क्योंकि हम लोग ने अज्यूम किया कि ये वैक्यूम में है तो वहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये चार्ज आके चुपचाप यहां पर आके बैठ जाएगा किसी को डिस्टर्ब किए बिना यहां पर आके बैठ जाएगा मतलब Q1 को आते आते कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है तो वर्क डन बिकॉज ऑफ Q1 इज जीरो बिकॉज ऑफ Q1 इज जीरो क्लियर है बहुत बढ़िया अभी फिर से बोल रहा हूँ अभी सेकेंड क्वेश्चन सुनो तो क्यू तो चला गया अभी क्यू बचा अभी Q2 को उठा के मैं यहाँ पर उठा के रखू अभी ये V1 आ गया अभी यहाँ पे V1 भी निकाल सकते अपन क्यू के क्यू अपन आर क्यू वन अपन आर वन ये अपना वी वी आ गया क्यू भी निकाल लिया V भी निकाल लिया अभी मुझे बताओ Q2 को उठा के मैं B पे लाऊंगा तो Q2 को काम करना पड़ेगा क्या Q2 को काम करना पड़ेगा क्या आंसर शुड भी अगर आप लोग ने यस बोला है तो वेरी गुड अगर आप लोगों ने नो बोला है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो यहाँ पर ऑलरेडी क्यू वन प्रेजेंट है तो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज उठा के जब लेके आओगे तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा इस Q1 के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इस Q1 के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा Q1 को गेंस्ट में काम करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में Q1 के अगेंस्ट में Q2 को काम करना पड़ेगा कितना काम करना पड़ेगा सर तो अपने पास फॉर्मुला है पोटेंशियल टू वर्क डन चार्ज तो चार्जेंशियल ड्यू टू क्यू वन इंटू चार्ज क्यू टू तो आपने आपको पोटेंशियल क्यू वन बताया कितना होता है पोटेंशियल क्यू वन के क्यू वन अपन आर वन और ये कितना आ जाएगा ये क्यू टू आ जाएगा ठीक है तो ये आर वन इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर वन यहाँ पर ये अपने को मिल गया कितना वर्क डन किया इतना वर्क डन इन्होंने किया बताइए इतना वर्क डन किया तो यहाँ पर देखो चार्ज q1 वन नो वर्क इज डन बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड मैंने अंडरलाइन करके दिया गया है तो वर्क डन जीरो है फिर सेकेंड जब लेके जाओगे तो उसके जैसे उसको काम करना पड़ेगा काम कितना करना पड़ेगा इतना काम करना पड़ेगा तो यहाँ से मैंने ये उठा के रख दिया ये फॉर्मूला बना लिया अभी मुझे क्या करना है टोटल निकालना है तो टोटल में क्या करूंगा डब्लू वन प्लस डब्लू टू करूंगा डब्ल्यू वन तो जीरो क्यू वन क्यू टू अपन के यहाँ पर क्या आ जाएगा आर वन टू बराबर है तो यहाँ पर यह लिख दूंगा मैं तो टोटल वर्क डन मेरा कितना आया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू या फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन किया है वो किस में स्टोर हो गया एनर्जी में स्टोर हो गया तो ये अपना बन गया डेरिवेशन ये डेरिवेशन देखा देखा सा लगा ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है क्या? अभी concept potential energy में यही निकाला, U आर वन से लेके टू क्यू लिख रहे हैं क्योंकि वन से लेके टू की तरफ चल रहे से यहाँ चल रहे, है देख रहे ये इसके ऊपर फील्ड लगा रहा है ना यहाँ से यहाँ चल रहे अपन अगर आर टू वन लिखोगे तो भी यहाँ से यहाँ चले गए को भी कोई दिक्कत नहीं है खाली प्रौ, खाली प्रॉब्लम क्या है जब वेक्टर लोगे ना तो तो प्रॉब्लम आएगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला क्योंकि ये डिस्टेंस इतना ही रहना है ना आप आर वन टू लो चाहे आर टू वन लो कोई दिक्कत नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा सिक्वेंस में लेते ना ऊपर भी वन टू है चार्ज क्यू वन क्यू टू है तो नीचे भी वन टू ले लेते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है यस yes. बहुत बढ़िया चलो चले आगे बहुत अच्छे सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बाकी की कहानी है सेम कहानी मान लो दो चार्ज है तो दो चार्ज के जैसे क्या आ जाएगा ये देखो यहां पर एन नंबर ऑफ चार्ज दो चार्ज है तो वही कहानी एक दो तीन अभी यहाँ पर एक चार्ज भी ऑलरेडी प्रेजेंट है दूसरा भी प्रेजेंट है तीसरा लेके आओगे तो ये इसको परेशान करेगा ये इसको परेशान करेगा यस तो दोनों परेशान करेंगे तो यहाँ पर देखो Q1 परेशान करेगा Q2 परेशान करेगा पोटेंशियल ड्यू तो टू C टू Q1 Q2 तो C पॉइंट मतलब जो Q3 आएगा कौन कौन परेशान करेगा उसको Q1 भी परेशान करेगा Q2 भी परेशान करेगा मान लो क्यू फोर लेके आ रहे हो मान लो क्यू फोर लेके आ रहे हो तो क्यू फोर को कौन कौन परेशान करेगा क्यू वन भी परेशान करेगा क्यू टू भी परेशान करेगा क्यू थ्री भी परेशान करेगा ये भी इसको परेशान करेगा ये भी इसको परेशान करेगा ये भी इसको परेशान करेगा ठीक है तो ये आपके जर्नलाइज फार्मूलाज है तो आप लोग ये फार्मूलाज पढ़ सकते हो आप लोग ये फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो बताइए एक कॉन्सेप्ट समझ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा बाकी सब समझ में आ जाएगा अभी क्या लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड टॉपिक ध्यान से समझना कि एक्सटर्नल फील्ड में एक चार्ज को रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी क्वेश्चन मेरा फिर से आता है आप लोगों के लिए एक्सटर्नल फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज उठा के लेके आता हूं तो क्या इस चार्ज को काम करना पड़ेगा आंसर करो क्या इस चार्ज को काम करना पड़ेगा बताओ यस yes. करना पड़ेगा जिन्होंने यस बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया और जिन्होंने नो बोला है आई विल रिक्वेस्ट कि पंद्रह मिनट पीछे वीडियो जाके फिर से सुनो पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जब यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्सटर्नल फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड है मतलब यहाँ पे कहीं से तो चार्ज में से फील्ड निकलती है ना अपने आप तो निकलेगी नहीं फील्ड है तो चार्ज आएगा तो चार्ज को ये अपोज करेगा कि नहीं करेगा चार्ज यहाँ से यहाँ अंदर आएगा तो इसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा मतलब चार्ज को क्या करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा तो कितना काम करना पड़ेगा W इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू इतना काम करना पड़ेगा कहानी खत्म बोलिए समझ में आ गया सब कहानी कॉन्सेप्ट है एक कॉन्सेप्ट समझ गया पांच टॉपिक हो गया आपका देखो पांच टॉपिक ये दो दो चार्ज रखना है मतलब एक्सटर्नल फील्ड है उस एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्ज उठा के रखना है एक चार्ज और दो चार्ज तो दो चार्ज उठा के रखोगे तो दो बार काम करना पड़ेगा ठीक है अभी देखो इसमें थोड़ा सा एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट एडिशनल कॉन्सेप्ट कैसा ध्यान से सुनो एक्सटर्नल फील्ड है सर एक्सटर्नल फील्ड है इनफिनिटी से चार्ज उनको उठाया उठा के रखा तो Q1 को काम करना पड़ा इस पॉइंट पे मान लो उठा के रखा इस पॉइंट पे काम करना पड़ा यस और नो आप लोग बोलोगे यस सर Q1 को काम करना पड़ा कितना काम करना पड़ा आप लोग बोलोगे वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज पोटेंशियल इसको मान लेते कि ये पोजिशन क्यू वन पे था ये देखो यहाँ पर ये यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन लिख के दिया आपको ठीक है क्यू वन इंटू वी ये अपना फॉर्मूला आ गया अभी ध्यान से सोच के बताना कि अगर मैं सेकेंड चार्ज उठा के लाऊँ और उसको उठा के मैं इस पोजीशन पे ला के रखूँ इस पोजीशन पे तो Q2 को कितना काम करना पड़ेगा Q2 को कितना काम करना पड़ेगा बताओ पहला क्वेश्चन कि काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो अभी तक तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यस yes, सर करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा एक तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और एक चार्ज भी प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक चार्ज के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा सो तो क्यू को दो काम करना पड़ेगा कौन कौन सा काम करना पड़ेगा क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा और प्लस इस क्यू के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा तो ये याद रखना ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एडिशनल कॉन्सेप्ट है तो Q2 को जब R2 पे लाके रखोगे तो उसको काम करना पड़ेगा नॉट ओनली अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड बट ऑल्सो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 तो दोनों की वजह से उसको काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और एक्सटर्नल के वजह से भी कितना करना पड़ेगा नहीं पता पता है ना अपने को फॉर्मूला पता है देखो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना करना पड़ता है Q इन टू वी चार्ज क्यू टू था पोटेंशियल वी टू यह था प्लस अभी चार्ज क्यू वन है इसके वजह से कितना करना पड़ेगा तो अभी को फॉर्मूला बताया ना कि टोटल तो 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 कितना काम करना पड़ रहा है क्यू टू वी प्लस ये वी और ये वी तो यहाँ पर यह आ गया अपने पास खत्म कहानी तो खत्म ये लिखा देखो ये कहानी लिखा है। तो ये अपने पास आ गया क्यू टू के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है क्यू वन को तो कितना काम करना पड़ रहा है इतना काम करना पड़ रहा है आप लोग लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर ये यह वर्क आएगा क्यू वन नहीं आएगा क्यू टू है यहाँ पर ये यह आ जाएगा डब्ल्यू ठीक है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कितना आएगा बताओ यहाँ पर यह फॉर्मूला ये आ जाएगा वन अप ऑन फोर पाइव ऑन नॉट क्यू वन अपन आर वन टू क्यू टू तो यह डब्लू का फॉर्मूला बन गया अभी इसको इसको ऐड कर लो इसकोर इसको ऐड कर लो इतना काम करना पड़ेगा इसका ये भी काम करना पड़ेगा प्लस ये भी काम करना पड़ेगा क्लियर है बताइए समझ में आ रहा है तो अभी बताइए कितना वर्क डन निकाला ने कितने सारे वर्क डन निकाले ध्यान से फिर से एक्सटर्नल फील्ड एक चार्ज लाया उठा के रखा तो उसको डब्ल्यू वन काम करना पड़ा कितना काम किया उसने क्यू वन इंटू वी अभी के लिए वो एफ एफ आर एफ एफ वी ये सब छोड़ दो ठीक है फिर क्यू टू उठाया क्यू टू ला के रखा यहाँ पर तो क्यू टू के रखा तो किस कितना काम करना पड़ा उसको क्यू वन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काम करना पड़ा उसको एक्सटर्नल फील्ड की वजह से प्लस उसको क्यू वन की वजह से काम करना पड़ा इसकी वजह से चार्ज की वजह से तो कितना काम हो गया सर वो हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू वन इन टू क्यू टू इसको आप लोग लिखोगे वन अपॉइंट फोर पे एप्सल नॉट क्यू वन

और यही इतनी एनर्जी आपकी स्टोर हो जाएगी काम करने में जितना काम किया उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी बोलिए समझ में आ गया नेक्स्ट टॉपिक डायपोल फिर से वही कहानी क्या है एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही है आप लोग डायपोल के बारे में आपको पता चल गया है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है फाइनाइट डिस्टेंस से अलग होता है दोनों ठीक है तो अभी इसको उठा के आप लोग एक्सटर्नल फील्ड में लगा रहे हो ये देखो ऐसा एक्सटर्नल फील्ड है इसमें आप लोग चार्ज उठा के रखे डायपोल उठा के रखा जैसे ही रखा उसके जैसे यहाँ पर देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही है ना बाहर की तरफ मतलब यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर कोई एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही है बराबर है इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के पास इस पॉजिटिव चार्ज के पास ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है तो कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ई इंटू क्यू इतना फोर्स से ये इस तरफ खींच रहा है इतने फोर्स से ये इसको इस तरफ खींच रहा है यस तो ये अपन ऐसे रखा ये ऐसा हो गया ऐसे रखा फिर ऐसे हो गए फिर ऐसे रखा फिर ऐसे हो गए तो इनिशियली एंगल <differ estratégically> पे रखा था थेटा नॉट फिर उसको ऐसे कर दिया टेढ़ा अभी वो टेढ़ा हो गया तो फिर से उसको सीधा करना पड़ रहा है फिर टेढ़ा हो गया फिर सीधा करना पड़ रहा है फिर टेढ़ा हो गया फिर सीधा करना पड़ रहा है तो क्या कर रहे हो एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो मतलब इससे डायपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ डायपोल वो होता है पी क्रॉस ई वो क्या होता है पी क्रॉस ई अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप लोग पी ई साइन थीटा होता है अभी एक्सटर्नल बार बार ऐसे हो रहा है उसको सीधा करना पड़ता है तो यहां पर वर्क डन क्या होगा वही एक्सटर्नल जो टॉर्क है लगा रहे हो वही होगा ओरिजिनली जब ऐसे उठा के रखा था तो एंगल था थीटा नॉट फिर टेढ़ा हो गया कुछ एंगल से थीटा से ठीक है तो इनिशियल एंगल से लेके फाइनल एंगल तक एक्सटर्नल टॉर्क आप लोग ने लगाया है ठीक है इन टू डी टी टीटा ये हो गया आपका कहानी

स्टोर होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पीज मोमेंटम नहीं रे इज डायपोल मोमेंट यस थैंक यू सो मच वेदांत यस चलो बोलो ये सब आपकी मेहनत है यार आप लोग पढ़ोगे तो मार्क्स आएगा नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा मार्क्स चलो आगे चलते हैं तो ये हो गया अभी यहाँ पर कंडीशन रखिए कंडीशन है अगर एंगल इतना हो इनिशियल एंगल नाइन्टी डिग्री हो तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा और इनिशियल एंगल अगर पैरेलल हो दोनों मतलब ज़ीरो हो तो आंसर क्या आएगा ठीक है तो ये हो गया कहानी बोलो समझ में आ गया यस और नो अभी आप लोग मुझे एक मिनट दो सिर्फ आई एम कमिंग इन वन मिनट चलो आई एम बैक आ जाइए चलो फटाफट फड़। चलिए बहुत बातचीत कर ली हाँ सो so, स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक ठीक है अभी इजी इजी चीजें बची है ओके चलो तो यहां पर अभी अपना आता है टॉपिक डायलैक्ट्रिक डा एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसको मैं पांच मिनट में समझाऊंगा ठीक है बाकी आप लोग रीड कर सकते हो सबसे पहली बात अब इसको मैं ऐड करता हूँ व्हाट इज डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहली चीज डायलेक्ट्रिक्स आर वन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स है जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं पहली कहानी डायलेक्ट्रिक्स दो टाइप के मिल सकते हैं आपको एक होता है पोलर डायलेक्ट्रिक्स एक होता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स व्हाट इज पोलराइजेशन पोलराइजेशन मतलब प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सप्लाई जब आप लोग एक एक्सटर्नल सप्लाई देते हो ठीक है ठीक है कोई भी डायपोल को या किसी भी चीज को कोई एक्सटर्नल सप्लाई देते हो मतलब आप लोग क्या कर रहे हो उसको पोलराइज कर रहे हो क्या कर रहे हो उसको पोलराइज कर रहे हो मतलब मान लो आपके पास एक डायलेक्ट्रिक मीडियम है एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है डायलेक्ट्रिक मटेरियल वाटर पेपर माइका शीट बहुत सारे डायलैक्ट्रिक मटेरियल होते हैं तो ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर इसको आप लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया कहाँ पर रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया इसका मतलब ये क्या हो गया ये हो गया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये क्या हो गया ये हो गया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन खत्म अब इसके आगे इसमें आप लोग को डायरेक्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस क्या है ये देखो यहाँ पर और उसको कैसे आप लोग ये करते हो ठीक है ये आ गया आपका कहानी इसका डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है आप लोग को जाके देख सकते हो ठीक है ये डायरेक्ट आपको पढ़ना है व्हाट इज पोलर डायलेक्ट्रिक्स व्हाट इज नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स सिंपल भाषा में बोलूँ तो पोलर में आपके ऑलरेडी परमानेंट डायपोल्स होते हैं नॉन पोलर में आपके परमानेंट डायपोल्स नहीं होते हैं अभी डायपोल्स ही नहीं पता तो आप लोग का मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है तो डायपोल्स एक में ऑलरेडी रहते हैं एक में नहीं होते हैं जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो वैसे जो डायपोल होते हैं मटेरियल के अंदर जो डायपोल्स होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस वो क्या करते हैं पहले तो वो ऐसे घूमते रहते हैं जब तक सप्लाई नहीं दिया है वो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ऐसे अपने आप घूम रहे हैं लेकिन जैसे ही सप्लाई दे दिया जैसे ही सप्लाई दे दिया तो उसके जैसे कुछ अपने पॉजिटिव चार्ज और कुछ अपने नेगेटिव चार्ज जो डायपोल होते हैं वो अलग अलग होना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक तरफ निकल जाते हैं वो क्या हो जाते हैं अलाइन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं अलाइन हो जाते हैं तो ये कहानी है पोलर और नॉन पोलर की यहाँ पे डिस्टिंग्विश दे दिया है पोलर डायलैक्ट्रिक्स और पोलर डा कंपोनेंट्स नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स और नॉन पोलर कंपोनेंट्स दे आर दे कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे के नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिमेट्रिकल शेप होता है इनका शेप जो होता है सिमेट्रिकल होता है इनका सेप सॉरी असीमेट्रिकल होता है और इनका शेप सिमेट्रिकल होता है ठीक है एक बार चेक कर लेना ही है ये पोलर होते हैं नॉन पोलर होते हैं एग्जाम्पल्स दिया है एस सी एल अमोनिया आर दी गुड एग्जाम्पल्स बेंजीन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड आर गुड एग्जाम्पल्स तो ये आप लोग देख सकते हो ये आप लोग देख सकते हो ये इसका ये है ये एग्जाम में आता भी है कभी कभी नहीं भी आता है तो थोड़ा सा आप लोग टाइम कम इन्वेस्ट करोगे इसके ऊपर तो भी चलेगा कम करोगे टाइम इन्वेस्ट तो भी चलेगा अभी आते हैं आ सकता है है बहुत कम बार आया है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत कम बार आया ही नहीं मैं वैसे बोल सकता हूं। अभी आता है आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है ये चैप्टर में कुछ करो ना करो कैपेसिटर करके जाना इस पूरे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मार्क माय वर्ड्स पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप लोग कुछ भी नहीं करके जाओगे तो भी चलेगा लेकिन कैपेसिटर करके जाना है क्या करके जाना है कैपेसिटर करके जाना है कसम खा लो कि कैपेसिटर करनी है बात खत्म यस तो कैपेसिटर ऐसे दिखते हैं आप लोग ने देखा होगा बहुत बार देखा होगा ये देखो माइक्रोफेराइड माइक्रोफेराइड कैपेसिटर कैपेसिटर, वोल्टेज, छोटा कैपेसिटर, ठीक है? ये सारे कैपेसिटर, देखो ये तो पक्का देखे होंगे पक्का। अपने घर के फैन को देखो फैन की अगर ऊपर डब्बी ओपन होगी तो उसमें एक सफेद सफेद कलर का ऐसा डब्बा रखा होता है उसमें दो वायर होती है ये भी कैपेसिटर है एंड विदाउट दिस कैपेसिटर आपका फैन नहीं चल सकता ये भी कैपेसिटर है ज्यादा पावर का कैपेसिटर लोगे तो आपका फैन ज्यादा फास्ट चलेगा कम पावर का कैपेसिटर लगाओगे तो आपका फैन स्लो चलेगा ठीक है ये भी कैपेसिटर है ये तो कैपेसिटर होता क्या है वॉट इज कैपेसिटर तो अगर सीधी भाषा में बोलूँ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस बात खत्म बात खत्म कैपेसिटर क्या होता है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ठीक है जैसे कि रजिस्टेंस था रजिस्टेंस में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो साइंटिस्टों को चमका साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा ऐसा कोई एलिमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है तो उन्होंने आविष्कार किया कैपेसिटर का तो कैपेसिटर क्या है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है एनर्जी स्टोर होता है ओके तो ये हो होगी एनर्जी ये हो होगी कैपेसिटर की कहानी यस कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का फॉर्मूला याद रखो हमेशा क्यू इज इक टू सी वी Q is equals to CV, where Q is charges, C is capacitance of the capacitor, capacitance of capacitor, okay, and V is applied voltage, या फिर voltage, सिर्फ voltage लिखो voltage लिखो अभी के लिए फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना दिमाग में कहीं पे फिक्स कर लेना ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है Capacitor बनता कैसे है ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा तो कैपेसिटर बनता है दो पैरेलल प्लेट से मतलब दो पैरेलल प्लेट्स होगी ठीक है इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे कनेक्ट करेंगे सर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें अपने कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इसमें अपने कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे पॉजिटिव इस यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये बन गया कैपेसिटर और इसके बीच में क्या है ये मीडियम है इसके बीच में कुछ भी होता है हवा हो सकता है वो एक डाई मीडियम हो गया इसके अंदर कोई भी मीडियम आप लोग डाल सकते हो मतलब दो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं और जैसे ये चार्ज चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस ये होता है इसमें ये चार्जर है चार्जर का बेसिक फंक्शन क्या है एनर्जी स्टोर करना उसका फॉर्मूला क्या है ट्यू इजिकल्स टू सी वी इतना अभी के लिए याद रखो और डिटेल में जानना है तो आप लोग डिटेल वाला वीडियो देख लेना कि आखिर एक्चुअल में ये काम कैसे करता है चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक तो आपको क्लियरली पिक्चर में वो समझ में आ जाएगा चलिए ठीक है जो मेन मेन चीज़ें आपको मैं वो बता के रख रहा हूँ वो मैं आपको बता के रख रहा हूँ ठीक है कैपेसिटर का यूनिट क्या है सर कैपेसिटर का यूनिट होता है फेराइड कैपेसिटर का यूनिट क्या है सी का यूनिट क्या है सी सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी तो सी का यूनिट क्या है फेराइड है या फिर आप लोग बोल सकते हो कूलम्स पर वोल्ट ठीक है तो ये फेराइड इसका यूनिट है इक्वल्स टू कूलम पर वोल्ट ऐसे ही बोल सकते हो और एक्चुअली में वन फेराइड इज वेरी बिग यूनिट वेरी बिग एक फेराइड मतलब बहुत बड़ा होता है तो आप लोग नॉर्मली देखते हो वन माइक्रो फेराइड वन नैनो फेराइड वन टिको फेराइड ठीक है नैनो माइक्रो नैनो मतलब टेन की पावर माइनस नाइन पी को माइक्रो मतलब टेन की पावर माइनस सिक्स पी को मतलब टेन की पावर माइनस बारह ये सब ऐसे कन्वर्जन आपको याद रखना है कि ये छोटी छोटी वैल्यू अपन लेते हैं हमेशा क्या करते हैं छोटी छोटी वैल्यू लेते हैं यस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये आप लोग पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा अभी लगा लो इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन मतलब याद है क्लास टेंथ में क्लास इलेवेंथ में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था जहाँ पर रजिस्टर को अपन ने सीरीज में पैरल में

आप लोग का आंसर दिल से आना चाहिए दिल से कि सर करंट सेम होता है वही करंट निकलेगा यहाँ से वही करंट यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ से आ जाएगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उतने ही चार्ज यहाँ पर उतने ही चार्ज होंगे यहाँ पर भी उतने चार्ज होंगे यहाँ पर भी उतने चार्ज होंगे यस अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर वोल्टेज होगा वी इसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा वी इसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा वी थ्री बस सी वन सी की बात की मैंने तो हाँ सर बहुत दिल को अच्छा लगा अभी मुझे बता दो हमने बोला कि करंट सेम है सब कुछ सेम है तो सबसे पहली बात आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको V इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री लिख सकते हो अपन टोटल पोटेंशियल V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ तो लिख दिया अपन ने हाँ सर लिख दिया वेरी गुड अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था Q इज इक्ल्स टू सी वी तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा q बटे सी तो यही फार्मूला हमें यूज करना है तो v1 वन प्लस वी टू वी वन प्लस क्यू अपॉन सी यहाँ पर आ जाएगा सेम 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 होंगे सेम क्यों होंगे क्यों क्योंकि करंट है तो बाहर निकाल दो तो यहाँ पर वन अपॉन सी बचा वन अपॉन सी वन क्यू निकाल दिया बाहर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री क्यू से क्यू मर गया बचा के अपने पास कैसे मिलेगा अपने को? रहा है? सेम ऐसे कोई इक्वेशन वन अपॉन आर वो अपने को रेजिस्टेंस में के केस में मिला था पैरेलल में और वही यहाँ पर सीरीज में मिल रहा है तो ये आपको दिमाग में कहीं पे फिक्स कर लेना है डेरिवेशन हो गया सेम सेम चार्ज इक्वल किया निकाल दिया खत्म यस yes, अगर सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो आपको ये इक्वेशन मिल सकता है ठीक है तो ये हो गया आपकी कहानी नेक्स्ट यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना क्या बोला गया सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है एस टू बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल कैपेसिटर मतलब हाई वोल्टेज को आप लोग क्या कर सकते हो छोटे छोटे वोल्टेज में डिवाइड कर सकते हो कैपेसिटर विथ मिनिमम कैपेसिटेंस हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितना सी का वैल्यू कम होगा सी इज इक्वल्स टू क्यू बटे वी तो सी का वैल्यू कम है तो वी का वैल्यू ज्यादा होगा अगर वी का वैल्यू ज्यादा है तो सी का वैल्यू कम होगा कहानी तो समझ में आ गई तो कैपेसिटर विथ मिनिमम कैपेसिटेंस मतलब अगर सी की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा तो ये आपको याद रखना है सीरीज में अभी आ जाओ पैरेलल में बहुत ही प्यारा है इजी पैरेलल सर एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर कनेक्ट कर दो निकालो यहाँ से यहाँ पर वी कर दो वोल्टेज अभी पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज की करंट सर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है अगर वोल्टेज दिल से निकला वोल्टेज तो वही वो वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा तो आपकी कहानी एकदम अच्छी चल रही है करंट क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है यहाँ पर करंट यहाँ से निकलेगा आई वन यहाँ पर जाएगा आई टू यहाँ पर जाएगा आई थ्री तो आपको यह बात समझनी है तो टोटल करंट की बात आ गई करंट की बात आ गई इसका मतलब चार्जेस क्या होंगे अलग अलग चार्जेस होंगे एज पर कैपेसिटेंस सी वन सी टू सी थ्री तो अपन क्या करेंगे टोटल अपन करंट देखेंगे टोटल करंट देखेंगे कि टोटल चार्ज कितने चीजों में डिवाइड हो रहा है चार्ज क्यू वन मतलब एक कैपेसिटर में क्यू टू क्यू थ्री ऐसे करंट कर हैं ना आई टू आई वन प्लस वैसे याद रखो कि क्यू इजीगल्स टू क्यू वन प्लस चार्जेस थोड़ा Q1 में गया थोड़ा क्यू थ्री में गया ओके सर याद कर लेंगे अभी हमें बताया क्यू Q टू सी वी होता है तो उठा के रखो यहाँ पर सी वी सी अभी सी वन वी कॉमन है कॉन्स्टेंट है कॉमन बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंट है सी टू वी सी थ्री वी

दो माइक्रोफेराइड तीन माइक्रोफेराइट चार माइक्रोफेराइड पांच माइक्रोफेराइड बताओ मुझे टोटल कितना माइक्रोफेराइड है ठीक है टोटल क्या है सी की वैल्यू टोटल कैपेसिटेंस बताओ मतलब इस पूरे को मुझे एक में कन्वर्ट करना है इस पूरे को मुझे एक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा सिंपल सब पैरल में है सर तो दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच कितना हो गया भैया ये हो गया छः अरे मैं भी क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये हो गया चौदह जी सीधा है ना हो गया पांच ये पांच दस चौदह तो चौदह माइक्रोफेराइट पेजी यहां पर देखो लिखे दिया है कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल व्हेन वी रिक्वायर्ड लार्ज कैपेसिटेंस एट स्मॉल पोटेंशियल तो पैरेलल में कब कम करते हैं अपन जब अपने को कम वोल्टेज चाहिए होता है और सी की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है तब अपन पैरेलल यूज करते हैं तब अपन पैरेलल यूज करते हैं है। बताइए बोलिए जो आप यस अब बचा है लास्ट दो टॉपिक ठीक है दो टॉपिक बचा ना एक ये कैपेसिटर फिर एनर्जी स्टोरेज चलो तो बहुत बढ़िया दो घंटे के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा अभी अभी ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है बच्चे को क्यों कंफ्यूजन होता है मुझे पता नहीं है ईजी है खाली थोड़ा सा ध्यान दो समझ में आ जाएगा क्या निकालना है हमें कैपैसिटन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट With dielectric medium in between plates. मतलब आपको कैपैसिटर की वैल्यू निकालनी है जब उसके अंदर कुछ रखा होंगे अपन रखा मतलब डायलैक्ट्रिक मीडियम रखे होंगे और जब नहीं रखे होंगे तो यह सी की वैल्यू क्या होगी यह सी की वैल्यू क्या होगी वो हमें करनी है फाइंड आउट वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले टॉपिक लगा लो कैपेसिटन ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर विदाउट विदाउट मतलब उसके बीच में कुछ भी नहीं है उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो कैसे दिखेगा ऐसे दिखेगा सर अरे सर बहुत बढ़िया दिखा ये अपना दो पैरल प्लेट्स यहाँ से बैटरी निकली और यहाँ पर अपने कुछ वोल्टेज दिया क्या दिया वोल्टेज दिया इसके जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए इस प्लेट के ऊपर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है अपनी वेरी गुड सर बहुत बढ़िया और यह डी क्या है ये डिस्टेंस 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 है बिटवीन बिटवीन टू टू प्लेट्स प्लेट्स अब इसको ध्यान से आपके बुक में दो तरीके से समझाया है दो तरीके से इसको समझाया गया है आपको ध्यान देना है पहले पहला तरीका बोला गया है कि इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि प्लेट्स के बाहर बाहर आउटसाइड दी कैपेसिटर देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड ठीक है और प्लेट के अंदर देयर इज एक्सटर्नल फील्ड तो एक्सटर्नल फील्ड आउटसाइड दी कैपेसिटर e इज इक्वल्स टू 0 ये अपने को सीधा दिख सीधा दिख गया ठीक है और इनसाइड है तो कितनी है वो अपने को बतानी है इनसाइड है तो वो कितनी है वो हमें बतानी है तो कैसे करोगे बताओ मुझे हमने अभी आपको याद है थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा पीछे जाओ थोड़ा सा पीछे गए वहां पर हम लोग ने एक पैरल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है देखा था पैरल प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है ये आपकी प्लेट ही है ना ये प्लेट ही है ना आपकी इस प्लेट के ऊपर चार्जेस है ना तो इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी तो हम लोग ने एक फॉर्मुला देखा था ईजिकल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सलोन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सलोन नॉट इसके ऊपर प्लस तो ये होगा प्लस इसके ऊपर माइनस तो ये माइनस सिग्मा अपॉन ठीक है तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले चलो बहुत प्यार से अभी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा बहुत प्यार से मैं सॉल्व कर लेता हूँ दिक्कत नहीं लेना अजय सर इज यर नो नीड टू फेयर पहला फार्मूला कौन सा पता है अपने को सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी सर मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है कोई दिक्कत नहीं अभी सर दो प्लेट्स है ये एक प्लेट ये एक प्लेट इसको लगाया बैटरी से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस तो सबसे पहली बात बताओ क्या मैं इसका सरफेस चार्ज निकाल सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूँ मैं हाई या ना बोलो निकाल सकते हो सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया तो चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया बोलिए बात निकाल सकता हूँ मैं बहुत बढ़िया इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो ये चार्ज क्यों है क्यू ले लेते हैं यहां पर भी क्यू ले लेते हैं कि क्यू चार्ज है इसको उठा के इक्वेशन नंबर वन में रखो तो सी इजिकल्स टू सिग्मा ए अपॉन वी अभी निकालना है अपने को वी इसमें से अपने को क्यू पता चल गया वी भी निकालना है हमारा एम क्या है, क्या है पहले टोटल चार्ज निकालो और फिर पोटेंशियल निकालो तो मुझे बताओ ना इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई तो अपने को रिलेशन बिटवीन ई और वी पता है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी क्या हो ये तो रिलेशन है तो यहां पर ये डिस्टेंस क्या है ये डिस्टेंस डी है तो यहां पर मैं डी ले लूँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वी बराबर ईडी वी बराबर ईडी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता हो हाँ सर बोल सकते हैं और ये ई e की वैल्यू क्या होती है अभी अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एलेक, एक प्लेट की वजह से कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है फ्रॉम गॉस लॉ के एप्लीकेशन नंबर टू से आया टू नहीं थ्री से आया ठीक है तो यहाँ पर ये इस फॉर्मुला को ऐसे बना सकता हूँ वी इजिकल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी बना सकता हूं ना तो अपने को मिल गया वी बी वी भी मिल गया तो इसको उठा के रख दो फिर एप्सिलॉन नॉट डी तो क्या हो जाएगा भैया सिग्मा से सिग्मा मर गया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नियोमिनेटर में चला गया तो फॉर्मुला क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आपका बन गया फॉर्मूला इतना कैपेसिटेंस होगा दो पैरेलल प्लेट के बीच में एप्सिलॉन नॉट इज दी परमिटिविटी ए इज दी एरिया ऑफ दी प्लेट कितनी एरिया बड़ी है और डी कितने इनके बीच का डिस्टेंस है तो सी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है एरिया ऑफ दी प्लेट्स प्लस जो दो प्लेट है उनके बीच में डिस्टेंस कितना कितना है व्हाट पैसे खत्म हो गया बताइए अगर ये कांसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला भी बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है लेकिन ऐसे समझ में आ जाएगा चुटकी बजाते ही, हाँ सर चुटकी बजाते ही। ओके टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दूंगा यस yes, यस yes. कर दूंगा कर दूंगा इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का डिटेल वीडियो वाला मैं शेयर कर दूंगा चलो तो यहाँ पे देखो ये कहानी है ये लास्ट में वोल्टेज निकाला सब कुछ किया और लास्ट में अपना यह फॉर्मूला गया एप्सल नॉट बाई डी अभी सेकेंड पार्ट कि जब पैरल प्लेट के बीच में कुछ रख दिया अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझो पैरल प्लेट के बीच में कुछ रख दिया जिसका थिकनेस है डी टी थिकनेस क्या है टी है ये है डाईलैक्ट्रिक स्लैब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट्स इसके इसके ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्जेस चार्जेस है है नेगेटिव जैसे ही अपन ने इसके ऊपर डायलैक्ट्रिक स्लैब रखा तो ये ये हो गया पोलराइज डायलैक्ट्रिक स्लैब क्या हो गया पोलराइज हो गया तो इसके अंदर के सारे पॉजिटिव चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हो गए और सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो गए ध्यान से सुनना ध्यान से तो इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहा जा रही है इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है और स्लैब के बाहर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है दिखा आये ना तो ये देखो ई पी ये अंदर है, ये है। T, D, से फिर से बोला मैंने एक प्लेट जिसके ऊपर प्लस चार्जेस है एक प्लेट जिसके ऊपर माइनस चार्जेस है थिकनेस वाला स्लैब लेके आ गए जिसका थिकनेस है टी ठीक है थिके? इस पर पॉजिटिव चार्जेस है अपने इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए नेगेटिव चार्जेस तो इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए पॉजिटिव चार्जेस अभी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बाहर ऐसे चलेगी ठीक है और अंदर ऐसे चलेगी याद रखना अंदर ऐसे चलेगी और ये बाहर ऐसे चलेगी और ये तो टोटल डिस्टेंस क्या है ये टोटल डिस्टेंस है डी ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अभी यहाँ पर अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इजी है तो क्या करेंगे अपन इसके लिए बताओ किसी के पास आइडिया किसी के पास आइडिया सबसे पहला कहानी पहला चीज़ मुझे कुछ नहीं आता मुझे एक ही चीज़ आता सर सी सीगल्स टू क्यू अन वी तो एम क्या है सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे टोटल चार्ज कुछ नहीं आता सरफेस अपने पास दो ये प्लेट है एक प्लेट दो प्लेट सेम आप लोग डायरेक्ट फॉर्मुला लिखो या फिर मैं देखो यही फार्मूला भी मैं निकाल के दिखाता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे क्या आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए कैपिटल क्यू ले लेते हैं तो क्यू इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा इससे अपने को क्या मिल जाएगा सी का वैल्यू मिल जाएगा ए सिग्मा अपॉन वी फिर वही कहानी वी निकालेंगे अभी क्या करेंगे वी निकालेंगे निकालेंगे वी लेकिन अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है यहाँ पर अपने अपने को दो वी निकालना है एक ट्विस्ट है Okay. अभी हमें निकालना है V1 वन एंड वी सर कैसे लिख के दे रहा हूं लिख लो पोटेंशियल ड्यू टू डाय इलेक्ट्रिक स्लैप डाय इलेक्ट्रिक स्लैप की वजह से कितना पोटेंशियल आया एंड पोटेंशियल ड्यू टू गैप इन बिटवीन प्लेट्स मतलब बीच में स्लैब था स्लैब के बीच में जो गैप था इनमें कितना पोटेंशियल है प्लस इस स्लैब में कितना पोटेंशियल है हमें यह निकालना है समझ में आ गया तो पहले हम लोग ने चार्ज निकाल लिया चार्ज निकाल लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल V1 वन एंड वी टोटल पोटेंशियल निकालना है V1 वन एंड वी तो ये अपना काम है तो सबसे पहले निकालते हैं V1 सबसे पहले निकालते वी वन वी वन मतलब पोटेंशियल ड्यू टू स्लैप हमारे पास एक फार्मूला है सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लेना डी e तो डिस्टेंस होगा तो अभी केस ऑफ थिकनेस अपन क्या करेंगे वी वन इजिक्वल्स टू ई अभी इन टू टी करेंगे अपन इन टू टी करेंगे थिकनेस स्लैब के लिए ले रहे हैं तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा ठीक है किसके लिए ले रहे हैं स्लैब के लिए मटेरियल के लिए मटेरियल लिख लेते हैं किसके लिए ले रहे हैं मटेरियल के लिए ले रहे हैं अभी अपने एक फॉर्मूला लिखा था याद आ रहा है कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो अगर ये एक इसके लिए है तो मैं मटेरियल के लिए भी लिख सकता हूं तो मटेरियल के लिए क्या जाता आ जाता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है सिग्मा यहाँ पर आप लोग सिग्मा लिख सकते हो सिर्फ मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल तो क्या आ जाएगा किसी मटेरियल के लिए लिख रहे हो तो के इन टू लिखोगे सिग्मा सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बोल रहा है एप्सलो नॉट लिखोगे यहां पर देखो आप लोग ये ऐसे लिख सकते हो मैं लिख के दे रहा हूँ बिल्कुल टेंशन मत लेना ठीक है यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ के इज इक्व टू एप्सलॉन एम अपॉन एप्सलॉन नॉट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ तो यहाँ से एप्सलॉन नॉट की जगह पे बराबर लिखा ना मैंने हाँ तो यहाँ पर एप्सेलॉन नॉट एप्सिलन एम की जगह पे के इन एप्सलॉन नॉट लिख सकता हूँ मैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया ये एम आ जाएगा यहाँ पर एप्सलॉन एम तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन के एप्सलॉन नॉट ठीक है बस ये समझ लो समझना है समझो याद करना है, याद करो जैसे ही भी आपकी मर्जी हो तो जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है थोड़ा सा आपको याद रखना है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है एप्सलॉन मटेरियल के अंदर जो भी वैल्यू है परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मिल जाएगा वो उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगा मटेरियल के अंदर कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो यहाँ पर मैं उसको उठा के रख दूंगा सिग्मा अपॉन के एप्सलॉन नॉट टी मुझे वी वन मिल गया वैसे मैं V2 वी टू निकालूंगा अभी वी टू निकालते टाइम ध्यान से वी टू निकालते टाइम अपने को क्या याद रखना है पहले ई e निकाल लेंगे गैप है तो गैप के लिए अपन ये ले लेंगे ई e नॉट ले लेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन गैप ई e नॉट अभी डिस्टेंस क्या लोगे देखो यहाँ पे बीच में तो है टी बचा हुआ डी है तो टोटल तो डी में से ये टी निकाल दोगे तो बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा अपने को तो टोटल डी में से टी निकाल दो टोटल पूरे डिस्टेंस में से डायरेक्ट्रिक स्लैब का डिस्टेंस निकाल दो तो आपको ये मिल जाएगा सेम यही कॉन्सेप्ट लगा के मैं हाँ पर लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गैप के लिए मटेरियल नहीं है अभी तो ये आपका हो गया V2 तो V1 मिल गया V2 मिल गया दोनों को ऐड कर दो तो V मिल जाएगा V1 वन प्लस वी टू एड कर दो तो V1 क्या मिला था अपने को V1 मिला था हमें सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और क्या था भैया टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आइए बताओ इसमें से कॉमन क्या निकालो कॉन्स्टेंट क्या निकालो बोलिए सब कुछ तो निकल जाएगा सर बाहर क्या क्या निकलेगा बताओ क्या क्या निकलेगा बाहर सर सिग्मा एक दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट एक दिख रहा है और अंदर क्या क्या बचेगा टी अपॉन के बराबर वेरी गुड प्लस डी माइनस टी यह बच्चा ये यह अपने को वोल्टेज मिल गया वोल्टेज मिल गया चार्ज अपन ने निकाला था ये उठा के इस फॉर्मूला में रख दो कौन सा फार्मूला सर यहां पे देखो ये वाला फॉर्मूला ए एप्सलॉन अपॉन वी एप्सलॉन अपॉन वी बताओ ए एप्सलॉन नॉट अपन वी बोलिए समझ में आ गया चलो उठा के रखो अभी यहां पर रखते हैं सिग्मा अपॉन ए यही फार्मूला था वी था अभी वी का फार्मूला मिल गया अपने को क्या था वी का फार्मूला सिग्मा एप्सलॉन नॉट टी अपॉन के माइनस डी माइनस के सॉरी प्लस है आई बताओ क्या क्या कटेगा सिग्मा से सिग्मा मर गया ये नीचे से ऊपर चला गया कोई दिक्कत ए एप्सलॉन नॉट ब्रैकेट में अभी इसको मैं ऐसे लिखूँ डी माइनस के आपके बुक के हिसाब से लिख रहा हूँ प्लस टी अपॉन के। आपके बुक के हिसाब से लिख रहा हूं ये तो बन गया फॉर्मूला अगर इस फॉर्मूला में थिकनेस जीरो ले लू थिकनेस जीरो मतलब कि उसमें कोई स्लैब ही नहीं है तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा ये जीरो ये जीरो मतलब टी अपॉन जीरो, जीरो, जीरो माइनस जीरो तो डी फॉर्मूला देखो अभी अपने निकाला था विदाउट स्लैब विदाउट स्लैब यह आया फॉर्मूला विथ स्लैब यह आया फॉर्मूला विथ स्लैब और विदाउट स्लैब समझ में आ गया यस और नो क्या क्या किया फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या किया टू क्यू अपॉइन वी यह अपना बेसिक फार्मूला है पहले टोटल चार्जेस फाइंड आउट किए फिर पोटेंशियल फाइंड आउट किया पोटेंशियल दो फाइंड आउट किया अपन ने एक स्लैप और एक बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ स्लैब और गैप दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आके डिवाइड कर दिया और आपको आंसर मिल गया आपको आंसर मिल गया इतना ईजी है इतना ईजी है क्लियर ये आपके केसेस आ गए आप केसेस देख लो और आपके केसेस समझ में आ जाएंगे एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे दिच इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूला के ऊपर कि 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 तो क्या करता है एनर्जी को ठीक है कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? में? होती है लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है कौन से फॉर्म में फूल्ड स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी स्टोर इज इन दम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है तो चलो ये भी निकाल लेते हैं भैया इजी है डायग्राम देखो एक कैपेसिटर ले लिया एक बैटरी ले ली एक कैपेसिटर ले लिया एक बैटरी ले ली बहुत ही बेसिक फॉर्मूला अभी यहां से अपना कोई चार्ज होगा उसको यहां से यहां जाना है ठीक है तो हम लोग ने क्या किया हमारा बेसिक फॉर्मूला सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी अभी क्या मान लिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग लेट क्यू डैश चार्जेस चार्जेस ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर वी बी दी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डैश डैश क्या है Q है charges, के ऊपर जब आ रहे चार्ज हो रहे हैं चार्ज मतलब आपने बैटरी लगाई तो कुछ चार्जेस यहाँ से उड़ के अभी यहाँ पर चार्ज जाके बैठ रहे हैं तो चार्जिंग हो रही है बहुत बढ़िया सर अभी मुझे बताओ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इफ दार्ज डी क्यू इज फर्दर ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट्स अभी मुझे बताओ अगर मुझे एक छोटा सा चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ पर रखना है तो मुझे काम करना पड़ेगा आइए ना तो वो काम कैसे करेगा भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है ना वर्क डन अपॉन चार्ज तो वर्क डन इज टू वोल्टेज इंटू चार्ज यस तो इतना काम मुझे करना पड़ेगा तो छोटा चार्ज है तो छोटा काम करना पड़ेगा मुझे छोटा चार्ज है तो छोटा काम करना पड़ेगा यस और यहाँ से अभी आप लोग वी का वैल्यू निकाल लो तो वी इक्वल्स टू ये यहाँ पर रखो डी क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू अभी ध्यान से अभी टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर लेंगे अब यहाँ पर आप लोग डैश लो तो भी चलेगा डैश नहीं लोगे तो भी चलेगा डैश लेके कंफ्यूज मत होना तो क्या क्या किया फिर से एक स्टेप में लिख देता हूँ c इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन सी मिल गया अभी छोटा सा चार्ज है जिसको काम करना है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाना है तो उसको काम काम करना पड़ेगा तो काम कैसे करेगा छोटा सा चार्ज है छोटा सा काम करेगा अभी v की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी ये आपको मिल गया फार्मूला अभी मुझे बताओ टोटल वर्क डन करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड लिमिट रखो मत रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टोटल वर्क डन डब्ल्यू इंटीग्रेशन क्यू आ गया बाहर क्यों नहीं सी आ गया वन अपन सी आ गया बाहर इंटीग्रेशन क्यू डी तो क्यू क्या आएगा इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू क्या आ गया क्या आएगा बताओ मुझे सब जगह पे स्मॉल ले लेते हैं स्मॉल स्मॉल कैपिटल लो स्मॉल लो कोई दिक्कत नहीं है बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए मैंने स्मॉल ले लिया इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू क्या आ जाएगा

इतना काम किया और यही काम आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा यही काम आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा अभी देखो हाँ बहुत सारे फार्मूला है बहुत सारे फार्मूला ये देखो ये एक फार्मूला है ये एक फॉर्मूला है ये एक फार्मूला कैसे आए सारे फार्मूलाज का मैं बता देता हूँ फटाफट तो आपको लास्ट एम आपको याद रखना है हाफ सी वी स्क्वायर ये फार्मूला याद रखो ये कैसे याद रखोगे ये आप लोग इसको थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वहाँ पर मास है यहाँ पर सी है वहाँ पर भी वी है यहाँ पर भी वी है लेकिन वहाँ पर भी वेलोसिटी है यहाँ पर भी वोल्टेज है ठीक है आप लोग थोड़ा सा ऐसे याद रखने के लिए टेक्निक में आपको बता रहा हूँ तो याद रख सकते हो आप लोग अभी देखो अगर मुझे ये वाला फार्मूला या ऐसा बनाना है या फिर मुझे ऐसा बनाना है तो मैं क्या करूँगा मेरे पास एक फार्मूला है ये मैं ये उठा के रखूंगा अभी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए यहाँ पर मुझे वी नहीं चाहिए तो मैं वी इजिकल्स टू यू अपॉन वी बना दूंगा तो यहाँ पर मैं फार्मूला में रखूँ हाफ सी वी की जगह पर मैं रखूँगा क्यू स्क्र अपॉन सी स्क्वायर स्क्वायर है ना तो ये एक सी और एक सी कैंसिल बचा के अपने पास हाफ क्यू स्क्र अपॉन सी अभी बताओ मुझे ये वाला फार्मूला चाहिए इस वाले फार्मूला में सी नहीं चाहिए मुझे तो सी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा सी इजिकल्स टू क्यू अपॉन वी ये यहां पर रख दूंगा मैं तो यहां पर रख दो यू इजिकल्स टू हाफ क्यू अपॉन वी इन टू वी स्क्वायर तो एक वी और एक वी कैंसिल यू इजिकल्स टू हाफ क्यू वी ये वाला फॉर्मूला बन गया समझ पा रहे हो कितने सारे वैरायटी है तो कौन सा फॉर्मूला याद रखना है एक ही फॉर्मूला याद रखो U इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वेयर बोलिए इजीली पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन पॉइंट फिफ्टी थ्री आवर्स मतलब एक घंटा फिफ्टी थ्री मिनट्स में आई डोंट थिंक सो ये पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल है ठीक है इतने डिटेल में बताना तो आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा अभी एक दो मैं कमेंट्स ले लेता हूँ मुझे पता नहीं क्या अपडेट आया है बिल्कुल मुझे पता नहीं है ठीक है तो अपडेट देखने के बाद में आपको वो अपडेट मिल जाएगा ठीक तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज रिवाइज करना इसका प्लेलिस्ट कम्प्लीट प्ले लिस्ट डिटेल प्ले, प्ले लिस्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा ये नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा तो आप लोग फटाफट कर लो यस वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसी ऐसे ही रफ्तार सीरीज के साथ ठीक है डिटेल में और रफ्तार में चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर रखो कर और शेयर जरूर करना तुम तो लोग शेयर नहीं करते हो ठीक है और बस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी अपडेट आया हो तो उसके ऊपर आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी बस पढ़ाई करते रहो मिलते नेक्स्ट टाइम बाय एवरी टेक केयर बाय बाय पढ़ाई करते रहो जाओ न्यूज़ कुछ भी आए बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है बिल्कुल टेंशन मत लेना जाओ जाओ बाय बाय